नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस पायनियर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास होगी ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, एक डेढ़ घंटे की वीडियो होगी, दो घंटे की लगभग, और इसमें आपको महामैराथन टाइप की क्लास देखने को मिलेगी। केवल और केवल समसामयिक कलाकार होंगे, चाहे वो बंगाल शैली हो चाहे मूल रूप से समसामयिक, सभी का एक काम्बो जो है रिवीजन टाइप का डाटा आपको देखने को मिलने वाला है। संक्षिप्त में वीडियो होगा तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं बाहर हैं तो आराम से हेडफोन लगा लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं आप वीडियो देखें, सुन लेंगे तब भी काम हो जाएगा। हाँ, हो सकता है सुनने पर दो बार आपको ध्यान देना पड़े, क्योंकि हमने उस पर जो डाटा हाईलाइट किया है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हाईलाइट किया है उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से बढ़िया होगी और आप जो बीच में थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए हैं वो फिर से चार्ज हो जाएंगे, हमें पूरी आशा है। तैयारी में जुड़े रहिएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से ही मिले और वो चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। थोड़ा सा संक्षिप्त में डाटा है लेकिन बहुत मज़ेदार है। हमें उम्मीद है लगभग आपको सब कुछ आता है, बस रिवीजन की बात है। आइए रिवीजन करते हैं। यामिनी रंजन की बात करें अगर तो आप जानते हैं भारत का पिकासो भी इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पे होता है तो बेतिया तोर जिला बांकुरा में होता है। बांकुरा बहुत बार पूछा गया है कहाँ पे है, बंगाल में है। कब होता है, 1887 का सन होता है। यामिनी राय 16 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता आए और उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में जो है कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण समाप्त करके आरंभ में ही ये पाश्चात्य में चित्र बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यामिनी को कहा जाए कि उनकी शबीहकार के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है तो हाँ हुई है। शबीह मतलब होता है व्यक्ति चित्र और व्यक्ति चित्र बहुत अच्छे से यामिनी रंजन राय बनाते रहे, परंतु बाद में वो जो है बंगाल स्कूल का प्रभाव भी पड़ जाता है और बंगाल स्कूल से जुड़ करके यामिनी रंजन राय जो है चित्रकारी करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है उनका स्वच्छंद अभिरुचि को तत्काल कला धारा से संतोष प्राप्त नहीं हुआ और मौलिक सृजन के प्रति उनकी इच्छा जो है अधिक बलवती हुई। 1921 में लगभग 34 वर्ष की अवस्था में उनका ध्यान बंगाल की लोक कला और गया बिहार के पटचित्रों की ओर जाता है, और जब गया बिहार के पटचित्रों की ओर जाता है तो कालीघाट और पटुआ लोक कला की ओर भी जाता है, और जब इस पर जाता है तो इस पर चित्रकारी स्टार्ट करते हैं। यामिनी राय लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करके उसे सतत प्रयत्नशील हो जाते हैं और वह बंगाल के अनेक गांवों में गए जहां वह कुम्हार, बुनकर, गुड़िया, खिलौना बनाने वाले आदि की कृतियों को देखते, समझते और रेखांकित करते रहे। इस ग्रामीण लोक कला के अध्ययन से उनको इस बात का ज्ञान हो गया कि इस परंपरागत ग्रामीण चित्रकारों या कलाकारों ने अनायास ही रंग, आकार और छंद के रहस्य को पा लिया है। यामिनी ने लोक कला के अभिप्राय तथा प्रतीकों को ग्रहण कर अपनी नवीन या फिर नवीन चित्रात्मक सुव्यवस्था में सजोने का काम किया है। यामिनी रंजन राय एक प्रख्यात कलाकार के रूप में फेमस रहे। इनकी कृतियों में नवीनता से उनको मानसिक संतोष भी प्राप्त हुआ है। आर्थिक संकट होते हुए भी वे अपने जीवन संघर्ष के साथ साथ नवीन प्रयोग चलाते रहे, परंतु बहुत समय तक कला क्षेत्र में उनकी मान्यता न प्राप्त हो सकी। धीरे धीरे युग परिवर्तन हुआ, उसके साथ कला के सरलतम रूपों में कला जो है आलोचकों ने पहचाना और उन्हें सराहना स्टार्ट कर दिया। 1929 से 36 तक वो मध्य में मूल रूप से यामिनी बाबू मियो कला स्कूल लाहौर में सहायक अध्यापक और सहायक निर्देशक के पद पर कार्य करते रहे। उसके पश्चात लगभग 2 वर्ष तक फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रधान के रूप में कार्य किए। 38 से 47 के मध्य उन्होंने लाहौर सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के निर्देशक पद पर भी कार्य किया है। कब? 1947 तक, 1938 से 1947 तक। आगे कहा जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत विभाजन के समय वो दिल्ली आ गए, वहाँ उन्होंने शिल्पी चक्र संस्थान की स्थापना की। यामिनी राय ने अपनी कला प्रेरणा के विषय में स्वयं लिखा है कि मैं बाल कला से प्रेरित हूँ, मैं बाल कला से प्रेरित कलाकार हूँ। यामिनी के बारे में आगे कहा जाता है उन्होंने टेम्परा रंगों के द्वारा कपड़े, कागज, पट्टे और नवीन प्रयोग इस पर करते रहे।
उनके चित्रों में अधिकांश सपाट रंग, सरल आकार और चमकदार वर्ण विधान को अपनाया गया है। अधिकांश चित्रों की रेखाएं मोटी परंतु अत्यधिक बलवती हैं। यामिनी के चित्रों की एकल प्रदर्शनी एसीसी गैलरी न्यूयॉर्क में 1950 में आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में पट्टे, कपड़े, कागज, चटाई पर बने चित्र खूब अच्छे से दर्शाए गए हैं। इस एकल प्रदर्शनी को बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है, परंतु 1954 में यामिनी राय के काष्ठ मूर्ति शिल्प का निर्माण जी जो है बहुत खास काम करता है और ज़्यादा रुचि उधर दिखा देते हैं काष्ठ मूर्ति बनाने में, और जब काष्ठ मूर्ति के निर्माण में ज़्यादा रुचि आता है तो उधर भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी कलाकृतियों में ईशा मसीह, श्रृंगार, नर्तकी और मृदंग वादक आदि जो है उत्तम कृतियां मानी जाती हैं। ईशा मसीह पूछा गया रचना है, श्रृंगार पूछा जा सकता है, नर्तकी पूछा जा सकता है। किसकी रचना है? यामिनी रंजन राय की रचना है। तो इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं, कृतियां हैं। 1955 में राय बाबू को पद्म विभूषण से भारत सरकार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है 1955 में मिलता है। इस महान चित्रकार के 88 वर्ष की आयु में 24 अप्रैल 1972 को कोलकाता में निधन हो गया। कलकत्ता में स्वर्गवास हो जाता है। इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो भारत का पिकासो 88 वर्ष तक कार्य करता रहा और मूल रूप से लास्ट में 24 अप्रैल 1972 को इसकी मृत्यु हो जाती है। खास काम किए इसलिए आपके सिलेबस में है और अच्छे से आज भी पूछे जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के जीवंत हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। बांकुरा में बहुत सारे लोग जन्मे होंगे, लेकिन यामिनी रंजन राय जैसा कोई नहीं हुआ जिनका जन्म 1887 में हुआ था, 1887। अगला पॉइंट आता है रविंद्र बाबा का। थोड़ा सा रविंद्र बाबा के बारे में पढ़ लें। बहुत सारे लोग कविंद्र कहते हैं, बहुत सारे लोग इन्हें गुरु कहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ उपाधि देते हैं। फिलहाल इनका नाम जो है कविंद्र रविंद्रनाथ कजन जोड़ा साकू बंगाल में हुआ है। कब हुआ है? 1861 ईस्वी में हुआ। विश्व कवि का सम्मान प्राप्त है। 1941 में मूल रूप से ये भी स्वर्गवासी हो जाते हैं। अगर बात करें कविंद्र की, तो कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर जब 50 वर्ष की काव्य साधना के पश्चात चित्रकला की ओर अभ्यस्त होते हैं तो 1924 ईस्वी में गंभीरता से आरंभ कर देते हैं। कुछ जगह ये 50 वर्ष लिखा है, कुछ जगह 67 वर्ष लिखा मिलता है, 67 वर्ष की आयु में चित्रकला की ओर। तो आर्ट एंड कल्चर है, इसमें बहुत सारी जो है दुविधाएँ होती हैं। 67 वर्ष की आयु में पूछा जाता है, कई कई बार जो है 70 के दशक की पूछी जाती है, तो याद रखना है ऐसा भी पूछ लिया जाता है। 70 वर्ष की आयु में, लगभग 70 वर्ष की आयु में चित्रकारी किसने की? रविंद्र बाबा करते। अभ्यास करना 1924 में गंभीरता से आरंभ कर दिया, तो उन्होंने एक नवीन पाश्चात्य विचारधारा का जो है आधार पर रचना आरंभ कर दी, जो कल्पना और मानसिक तत्व के आधार पर ही रही है। टैगोर अपने काव्य कौशल के आधार पर 1913 में नोबेल पुरस्कार ही नहीं प्राप्त कर चुके, वरन पाश्चात्य कला के जगत की प्रभाववादी विचारधारा और कलाकृतियों की नवीन प्रवृत्तियों को भली भांति परिचित हो चुके थे। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, लेकिन ये प्रभाववादी विचारधारा को बहुत अच्छे से समझ चुके थे तब तक। आगे बात की जाती है, अन्यथा उन्होंने पाश्चात्य कलाकारों के समान ही बाह्य रूप से यथार्थ अनुकरण की सीमा को तोड़ करके भावनाओं को पहचानना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अचेतन जगत से प्राप्त रंग रेखा और आकारों में अपनी अभिव्यक्ति की रंग के धब्बों और पांडुलिपियों में काट छाट के चिन्हों के संयोजन में उनको अपनी आत्मा की लय तथा छंद प्राप्त हुई है। पांडुलिपियों और स्याही के धब्बों में इस कवि को अपने अचेतन जगत की सुषुप्त भावनाएं दिखाई देती हैं। फिर क्या था? कवि चित्रकार बन गए 67 वर्ष की आयु में। रविंद्र बाबू अपने चित्रों की अनुकृतियां या प्रकृतियों की कल्पना के आधार पर ही बनाया करते थे चित्र, यथार्थ उन्हें कुछ नहीं था। उनके शब्दों में, कला में सत्य का अस्तित्व तब ही निहित रहता है जब वह हमको यह कहने के लिए बाध्य कर दे कि मैं देखता हूँ। कला में सत्य का अस्तित्व तभी दिखाई देता है, तभी निहित होता है, तभी है कि जब वह हमको यह कहने के लिए बाध्य कर दे मैं देख रहा हूँ या मैं देखता हूँ। यह कथन किसका है? रविंद्र बाबा का है, याद रखना है। आगे कहा जाता है टैगोर की चित्राकृतियों को पागल व्यक्तियों की कला कहकर के पुकारा गया है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन सभी पूछा नहीं गया है कि पागल व्यक्तियों की कला किसकी है, टैगोर की है, ये पूछा तो नहीं गया, लेकिन हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, याद रखना। पागल व्यक्तियों की कला कहकर के पुकारा गया है, परंतु उन्होंने इस वाक्य का उत्तर इस प्रकार दिया है, मेरे चित्रों का जन्म यानी सृजन किसी शिल्प कुशल अनुशासन या परंपरा में नहीं हुआ है, वे जानबूझ करके की गई वस्तुओं की अभिव्यक्ति का प्रयास नहीं है। टैगोर का यह कथन असत्य है, क्योंकि उनकी कृतियों में रंग, रेखा और आकारों की
अकलात्मकता सहज और अनपढ़ या फिर अनगढ़ व्यवस्था है और उनकी रचनाओं में केवल बौद्धिक प्रयास अधिक है। अमर कवि रवींद्रनाथ ने 1920 ईस्वी में शांति निकेतन के प्रांगण में कला भवन यानी आर्ट स्टूडियो की स्थापना की। यहाँ 1920 दिया गया है, बहुत सारी किताबों में 1919 मिलता है जो कि सही भी है, तो 1919 कर लीजिएगा। 1919 में मूल रूप से शांति निकेतन के प्रांगण में कला भवन आर्ट स्कूल की स्थापना की। 1930 ईस्वी में उनकी पहली प्रदर्शनी पेरिस में लगती है, आप जानते ही होंगे। ये एक स्केच पेंटिंग है, मूल रूप से इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, पेन स्केच है, रविंद्र बाबा के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी पेरिस में आयोजित करते हैं, कब, 1930 में, 1930 में। आगे कहा जाता है, कला भवन की स्थापना के पश्चात अवनींद्रनाथ ने शांति निकेतन में कला भवन का अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया और अंतिम दिनों तक वह कार्य करते रहे। इस प्रकार बंगाल स्कूल के पतन के साथ भारतीय चित्रकला में पुनः जीवन फूकने के नवीन प्रयास हुए, इसमें पाश्चात्य विचारधारा और बौद्धिकता की छाप थी। इस समय में पाश्चात्य कला की विशेष मर्मज्ञता एक चित्रकर्ती कुमारी अमृता सहगल की कला से भी भारतीय कला की एक नवीन मोड़ की ओर ले जाती है। यानी अमृता सहगल भी थोड़ा बहुत काम इसमें कर जाती हैं, जो मात्र 28 साल जिंदा रहती हैं, बुडापेस्ट की नागरिक। अगला नाम अमृता सहगल का ही आ जाता है, आइए देखते हैं अमृता सहगल के बारे में। अमृता सहगल जन्म की अगर बात करें 1913 में हंगरी राजधानी बुडापेस्ट में हुआ है। 1934 के अंत में पेरिस की चित्रकलाओं और अकादमियों में चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त कर अमृता भारत आई और शिमला में अपने माता पिता के निवास स्थान में रहने लगी। अपनी चित्रशाला भी स्थापित कर ली यहीं पे। उस समय उनकी आयु लगभग 21 वर्ष थी। अमृता सहगल लाहौर के एक धनी सिख जो है उमराव सिंह की पुत्री रही हैं, याद रखना है। उनकी माता एक हंगेरियन रही हैं। आरंभ से ही उन्हें चित्रकला में रुचि थी, अतः वे लगभग 11 वर्ष की आयु में ही अपने माता के साथ इटली गई और फ्लोरेंस की चित्रशाला में उन्होंने कला दीक्षा ग्रहण की। यहाँ पर यथार्थवादी पद्धति पर कला अभ्यास कर वह कुछ समय के लिए भारत आए, परंतु पुनः पेरिस चली जाती हैं। पेरिस में उन्होंने पियर वैया और प्रोफेसर लूसिया के चित्रों या लूसिया के सीमाओं के चित्रशालाओं में कला अभ्यास खूब अच्छे से किया। 1930 में इनके चित्रों की प्रदर्शनी ग्रांद सालों में आयोजित की गई है और ये पहली प्रदर्शनी मानी जाती है। इस प्रदर्शनी में धड़ वाला चित्र इन्होंने दिखाया। धड़ जो है नग्न महिला का पार्श्व छाया का प्रकाशन है। यह अद्भुत ढंग से मूल रूप से अमृता सहगल ने बनाया था तथा युवतियां नामक चित्र प्रदर्शित करके अमृता फ्रांस में खूब ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, फेमस हो गई। उनके ये चित्र मॉडल पद्धति या फिर एकेडमिक शैली पर आधारित रहे हैं। अमृता सहगल के धड़ वाले चित्र कैसे रहे हैं, तो एकेडमिक शैली पर आधारित रहे हैं। 1934 ईस्वी में जब भारत आती हैं अमृता, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, अमृता भारत कब आती हैं, तो 1934 के सन में आती हैं। तब उन्होंने भारतीय खिलाड़ी नामक चित्र पे नई दिल्ली में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक भी जीता। स्वर्ण पदक किस में जीता, भारतीय खिलाड़ी चित्र में। किसने बनाया, अमृता सहगल का है। आगे 1936-37 के मध्य उन्होंने समस्त भारत का पर्यटन किया और सर्वप्रथम उन्होंने अजंता का विशाल और भव्य भित्ति चित्रण को देखा और भारतीय कला तथा जीवन के प्रभावित हुए। अमृता के कला ने यहाँ से ही एक नवीन मोड़ लिया और उन्होंने अजंता की पहाड़ी चित्रों की सरल और सपाट कोमल रंगों का प्रतीकात्मक शक्ति को समझा। उन्होंने बसोहली शैली के पहाड़ी चित्रों को सरल योजना से विशेष प्रणाली ली या फिर विशेष प्रणाली, परंतु उनके चित्र बड़ी कैनवास पे तैल रंग में बने दिखाई देते हैं। अमृता सहगल कैसे चित्र बनाती हैं, कैनवास पे बनाती हैं, तैल रंगों के द्वारा बनाती हैं। आगे बात होगी तो अमृता की कला पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके चित्रों में भारतीय विषयों की नवीनता, तकनीकी नवलता, रेखा की लय, छंद और अमिश्रित रंगों की लयबद्ध दृष्टिक चेतना है। सतत प्रयोग और चिंतन के पश्चात अमृता अपने प्रतिभापूर्ण कला से मार्ग प्रशस्त करती हैं। उनके चित्रों में वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा, त्रावणकोर के बालक, स्त्रियां और नलवासना उनकी विलक्षण प्रतिभा के ज्वलंत प्रमाण हैं। उनके अनेक चित्रों का संग्रह राष्ट्रीय नूतन कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। उनके चित्रों में रंग विधान की नवीनता, चमक और रंगों के अत्यधिक बल या फिर विविध ही रंगतें भारतीय चित्रकला के एक नवीन अध्याय हैं। उनके चित्रों में लाल तथा पीले रंगों को सशक्त और कैसा आत्म अभिव्यंजन प्रयोग बताया जाता है। उन्होंने स्वयं कहा है कि रंगों को मैं पूजती हूँ, अमृता सहगल का कथन है, मैं रंगों को पूजती हूँ।
उनके चित्रों में तूलिका जो है स्पर्शों के प्रवाह के साथ साथ धरातल को भरने के लिए बड़े बड़े धरातल खंडों का प्रयोग किया गया है। अमृता की महत्वपूर्ण कांक्षा या फिर महत्वाकांक्षा को यथार्थवाद का आग्रह अनंत सीमा तक प्रभावित कर चुका है। वे कभी भी अपनी कला साधना में अतीत के स्वर्णिम सपनों और कल्पना की उड़ान में नहीं भटकती। आरंभ में उन्होंने भारत की जर्जर ग्रामीण दुखी जनता को अंकित किया और उन्होंने अपने मौलिक रागात्मक तत्व को खोजा है। अमृता ने अत्यंत स्थूल और अत्यंत दृश्यात्मक कला के प्रति प्रतिक्रिया दिखा करके अपनी कला को वह नवीन मार्ग चुनना चाहा है जो आज भी भारतीय कला और अभ्यासी नवयुवकों के लिए प्रेरणादायक है। 1938 ईस्वी में वे पुनः बुडापेस्ट जाती हैं और वहाँ उन्होंने डॉक्टर विक्टर गायन से अपनी शादी रचाती हैं, विवाह रचाती हैं और उसी वर्ष वो भारत लौट आती हैं। परंतु वे अपने वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं कर सकी और 28 वर्ष की आयु में मात्र 1941 में 28 वर्ष की आयु में स्वर्गलोक चली जाती, उनका देहांत हो जाता। उनके चित्रों में विषाद स्पष्ट दिखाई देता है। भिखमंगे हों, ग्रामीण हों, अपने निजी चित्रों में सभी विषादताएँ जो है बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास अमृता सहगल ने किया है। सभी भावनाओं, सभी विवादास्पद चित्रों को दर्शाने का प्रयास अमृता सहगल ने किया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यामिनी राय तथा अमृता सहगल के ठोस प्रयोगों के क्षयशील बंगाल स्कूल को गहरी ठेस पहुँची और अंततः यह स्कूल दम तोड़ता गया। इनकी नवीन जागृति और सतत प्रयासों से भारतीय कला को नवजीवन प्रदान हुआ। अतः इन कलाकारों के प्रयासों को रिवाइवलिस्ट मूवमेंट या फिर पुनर्जीवन आंदोलन के नाम से पुकारा जाता है। अगला महत्वपूर्ण नाम आएगा गगनेंद्रनाथ ठाकुर का। गगनेंद्रनाथ ठाकुर मूल रूप से गुणेंद्रनाथ ठाकुर के पुत्र हैं और समरेंद्रनाथ और अवनींद्रनाथ के भाई हैं। सुनैनी देवी और बिनैनी देवी के सबसे बड़े भाई हैं। उन्हें भी देखने का प्रयास कीजिए। गगनेंद्रनाथ ठाकुर की अगर बात करें तो कहा जाता है इन प्रगतिशील कलाकारों के अतिरिक्त ठाकुर परिवार के ही एक अन्य सदस्य कवि रवींद्र के अग्रज गुणेंद्रनाथ नहीं गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर के 1923 ईस्वी में लगभग अनेक घनवादी प्रयोग आरम्भ कर दिया। उन्होंने घनवादी और स्वप्निल शैली आदि पर अनेक चित्र शैलियों को बनाए हैं। इन चित्रों में काले, फाख्तई और हल्के भूरे रंगों का प्रयोग हुआ है। उनके चित्रों में पाश्चात्य प्रभाव अधिक है और समसामयिक यूरोपीय कला की छाप भी है। उनके चित्रों में स्वप्निल देश उनकी प्रतिभा और उनका परिचायक है। प्रायः उनके चित्रों में हास्य और मौज की तरंग भी दिखाई देती है। गगनेंद्र के बारे में बात हो रही है कि घनवादी चित्रों को करने के लिए जाने जाते हैं। अगला नाम मास्टर मोशाय का है, यानी नंदलाल बसु का है। नंदलाल बसु की अगर बात करें, जन्म 3 सितंबर 1883 मुंगेर जिला हवेली खड़गपुर में हुआ था। कॉलेज की शिक्षा को स्वेच्छा से त्याग करके वह गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में भर्ती हो जाते हैं और इस प्रकार वे आचार्य अवनींद्रनाथ के संपर्क में आते हैं और उनके शिष्यों में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त होता है। उनको 1917 ईस्वी में रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित विचित्रा नामक, ये पूछा जाता है, विचित्रा नामक शिल्पकला केंद्र और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का प्राचार्य नियुक्त किया जाता है। उनकी कला प्रतिभा देख करके 1922 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने उनको शांति निकेतन में कला विभाग का अध्यक्ष पद पर निमंत्रित कर लिया था। नंदलाल बसु को अजंता बाघ आदि गुफाओं का चित्रण भी बनाना हुआ, यानी भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां भी तैयार करनी पड़ी, जिससे उनकी ख्याति और फैल गई। 1924 में वे चीन गए और वहाँ पर चीनी कला का अध्ययन किया। इसी समय उनको कांग्रेस अधिवेशन के पांडालों को सजाना भी था और उसके लिए वो आमंत्रित भी किए गए। बसु ने विषय तथा तकनीकी की दृष्टि से भारतीय परंपराओं की सीमा में बांध करके अपने ही प्रयोग किए। उनके प्रमुख चित्रों में शिव का विष्पान हो, सती हो, दुर्गा हो, बुद्ध और मेष हो, अर्जुन हो, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा हो, स्वप्न हो, वीणा वादिनी हो, गांधी जी की दांडी यात्रा हो, संथाल संथालनी हो, उमा की तपस्या हो, विरहणी हो, मेघ हो, उमा हो आदि रचनाएं बहुत फेमस हैं। रूपावली और शिल्पकथा, ये दो मूल रूप से शिल्पकला और मूल रूप से रूपावली, ये दोनों पुस्तकें हैं किसके द्वारा, मास्टर मोशाय के द्वारा लिखी गई हैं। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में जिन कृतियों का निर्माण किया उसमें असाधारण रेखांकन दिखाई पड़ता है। उनके चित्रों में रेखा चित्र की आकृतियों का प्राण बन गया है। आलोचकों ने उनके कृतियों में विषय में इस प्रकार लिखा है कि उनकी कृतियां कला के इतिहास में एक क्षण हैं, सादा प्रवाह मान निरंतर गतिशील धारा नहीं। उनकी कृतियों में आधुनिक अभिव्यक्ति का
सामना करने की क्षमता नहीं है। नंदलाल को राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। 1953 में उन्हें शांति निकेतन के कला विभाग से सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके, फिर भी वे चित्र में कार्य करते रहे, चित्र बनाते रहे। 1967 ईस्वी में मूल रूप से मास्टर मोशाई का निधन हो जाता है। मास्टर मोशाई के बाद उनके जो है गुरु भाई आते हैं, नाम होता है असित कुमार हल्दर, बंगाल जोड़ा साकुम, जिनका जन्म होता है। असित कुमार हल्दर, स्वर्गीय असित कुमार हल्दर ने कला जगत पूर्णतया हम मूल रूप से परिचित रहा है। वह आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्यों में एक रहे हैं और स्वर्गीय नंदलाल बसु, छितिनदास, मजुमदार, शैलेन्द्रनाथ डे के गुरु भाई भी रहे हैं। वह गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स लखनऊ के प्राचार्य भी रहे हैं। प्रयाग इलाहाबाद नगर पालिका में उनके सबसे ज़्यादा चित्र मूल रूप से सुरक्षित है। उन्होंने अजंता, बाघ और जोगी मारा तीनों के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई, 1910 से 14 के बीच तैयार किए हैं। उमर खैयम चित्रावली की शैली में मूल रूप से मौलिकता प्रदान है। उमर खैयम बहुत बार पूछा गया असित कुमार की रचना मानी जाती है। उन्होंने भारतीय कला की परंपरा से हट करके चलने का प्रयास भी किया, परंतु परंपरा में रंगे कलाकार को सफलता न मिल पाई। उन्होंने लकड़ी, रेशम, हार्डबोर्ड आदि पर बराबर प्रयोग किए। उनके चित्रों में आकृतियों की सरलता और रेखा का प्रवाह दर्शनीय है। उनके चित्रों में कुणाल हो गया, अकबर एक महान निर्माता हो गया, ये सब रचना बहुत फेमस है। रहस्य हो गया, ये सब बहुत उल्लेखनीय है। हल्दर बाबू कलाकार होने के अतिरिक्त एक बंगाल गीतकार भी रहे हैं। मेघदूत का बंगाल अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? तो मूल रूप से मेघदूत का बंगला में अनुवाद असित कुमार हल्दर के द्वारा ही किया जाता है। ये बात असित कुमार हल्दर की है। उसके बाद उनके गुरु भाई आएंगे डीपी राय चौधरी, यानी देवी प्रसाद राय चौधरी, जो प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। डीपी राय चौधरी की अगर बात करें तो वह आचार्य अवनींद्रनाथ के योगी शिष्यों में माने जाते रहे हैं। चित्र की अपेक्षा मूर्ति के क्षेत्र में उन्होंने अधिक सम्मान प्राप्त किया है। वह मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल रहे हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कहाँ पर प्रिंसिपल, तो मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल रहे हैं। उन्होंने बाजार या नहीं बंजारों मछुआरों और जो है पहाड़ी जूनों से संबंधित अनेक चित्र बनाए हैं। उन्होंने पाश्चात्य कला के सम्मिश्रण से अपनी शैली को प्रशस्त किया है। 1958 ईस्वी में उनको राष्ट्रीय उपाधि पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। पद्म भूषण कब मिलता है? 1958 ईस्वी में मिलता है। तो ये थे डीपी राय चौधरी। जाएगा चाहे वो मोहन सामंत का नाम हो, मनोज कुमार वर्मा का नाम हो, या फिर नारायण श्रीधर बेंद्र का नाम हो, दिनकर कौशिक का नाम हो। आइए देखते हैं विस्तार से, एक साइड से देख चलेंगे। सबसे पहले तो बंबई और दिल्ली के प्रगतिशील कलाकार हैं, ये याद रखना है आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कला के नवीन विकास में बंबई तथा दिल्ली दल के कलाकार का जो है विशेष महत्व रहा है। बंबई दल के कलाकारों में अनेक स्वयं कुशल प्रयोगशील चित्रकार हैं और किसी नाम विशेष का बंधन स्वीकार नहीं करते। इन चित्रकारों में बेंद्रे, माली, रावल छाबड़ा, आल मेलकर, साथ में सात वालेकर और अरुण भोष हैं। इन चित्रकारों के अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रभावशाली चित्रकार हैं जो अपने लिए प्रोग्रेसिव ग्रुप के नाम से पुकारते हैं। इन चित्रकारों में हुसैन का नाम आएगा, फ्रांसिस का नाम आएगा, सूजा का नाम आएगा, आरा का नाम आएगा, रजा का नाम आएगा, गुंडे का नाम आएगा, हैब्बर का नाम आएगा, अकबर, पद्मसी का नाम आएगा, लक्ष्मण पई का नाम आएगा। तो ये सब मूल रूप से अपने आप को प्रभावशाली चित्रकार के रूप में देखेंगे। इन चित्रकारों ने अपनी कृतियों में व्यवस्था, आकार और रंग योजना को जो है प्रधानता दी है और किसी पुरानी शैली या कला आंदोलन का समर्थन नहीं किया है। खास बात यह है कि कोई पुरानी शैली या फिर कोई पुराना कला आंदोलन का समर्थन इन लोगों ने नहीं किया है। भारत की राजधानी दिल्ली में भी जैसा स्वाभाविक है, चित्रकारों का एक न्यूनतमवादी दल विकसित हो चुका है। यह दल किसी वर्ग विशेष के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ के अग्रगण्य चित्रकारों में कुलकर्णी, भावेश सान्याल, कंवल कृष्ण, सतीश गुजराल, शांति दुबे, सुल्तान अली, सहलोज मुखर्जी, वीरेन डे, दिनकर कौशिक, बद्रीनाथ, के सी आर्यन, अविनाश चंद्रा, स्वामीनाथ, कृष्णा खन्ना, ये सब फेमस नाम हैं। जबकि न्यूनतम भारतीय चित्रकारों में गाय तांडे का नाम आएगा, वीरेन डे का नाम आएगा, जी आर संतोष का नाम आएगा, के सी एस पनिक्कर का नाम आएगा, भूपेन का नाम आएगा, सुंदरम का नाम आएगा, विकास भट्टाचार्य का नाम आएगा, जगमोहन जो है चोपड़ा का नाम आएगा, गुलाम शेख का नाम आएगा, मनु परेख का नाम आएगा, ए रायना का नाम आएगा, त्रिलोक कौल का नाम आएगा, पम्मी लाल का नाम आएगा, एस नंद गोपाल का नाम आएगा, गणेश पिपाठे का नाम आएगा, लक्ष्मण पै का नाम है, हरे लाल या फिर हरे कृष्ण लाल का नाम है, जयराम पटेल का नाम है, विभव दास गुप्ता का नाम है, प्रदोष दास गुप्ता का नाम है, प्रफुल्ला का नाम है, बी प्रभा का नाम है, दिनकर बनौर्जी का नाम है, अनुपम सूद का नाम है, जयंत पारिक, होरे, अंबादास आदि नाम जो है उल्लेखनीय बताए जाते हैं।
इसी संदर्भ में आगे कुछ न्यूनतमवादी चित्रकारों का परिचय वर्णमाला के क्रम में दिया जा रहा है। हल्का हल्का परिचय है, तो आप हल्के से देखने का प्रयास करिएगा। जैसे पहला नाम अविनाश का दिया गया है। यदि आकृति मूलक कला की दृष्टिक आनंद और अमूर्ति कला के मानसिक आनंद का एक साथ भोग करना हो तो अविनाश के चित्र देखना सर्वोत्कृष्ट रहेगा। सारिका फरवरी 1968 में जो है छपता है। प्रचार और विज्ञापन की दुनिया से दूर रहने के कारण उन्हें अधिक ख्याति तो नहीं मिल पाई, लेकिन कला को वह जीवन के अलग चीज मानते रहे। कला को वह जीवन का एक अलग चीज मानते रहे। कौन? अविनाश। उनका विचार है कि चित्रकार रंग तथा रूप के माध्यम से मानसिक अनुगुंजों को जो कि अभिव्यक्ति करता है, वही कलात्मक और जो है दृष्टिक अभिव्यक्ति है। तो चित्रकार रंग रूप के माध्यम से मानसिक अनुगुंजों को जो अभिव्यक्त करे, साथ में कलात्मक और दृष्टिक अभिव्यक्ति करे, वही मूल रूप से कला मानी जाती है। डॉक्टर अविनाश का जन्म 1936 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्वेश्चन छप सकता है, आपको याद रखना होगा कहाँ पे हुआ है। बरेली में हुआ है। किस सन में हुआ है? 1936 में हुआ है, यानी 1936 के आसपास हुआ है। आगे बात करें उनके पिताजी के बारे में। कहा जाता है कि उनके पिताजी अग्रज तथा अनुज कवि हैं तथा लेखक होने के कारण उनको काव्य के प्रति रुचि और लेखन शक्ति संस्कार से ही मिल जाती है, यानी संस्कार से ही मिली। कॉलेज के दिनों में वो चित्रकला विभाग के अध्यक्ष रहे और प्रोफेसर हरिश्चंद्र राय के संपर्क में आ जाते हैं। शीघ्र लैंडस्केप में उन्होंने प्रशंसा सफलताएं मिली। बटवृक्ष, रानीखेत का खेत और बनारस घाटों की नौकाएं, पुष्पित कचनार उनके प्रतिनिधि लैंडस्केप हैं, जिसमें सबसे अच्छी अच्छी रचनाएं हैं बटवृक्ष हैं, रानीखेत है, बनारस की घाट नौकाएं हैं, पुष्पित कचनार है। ये सब क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपको याद रखना होगा। नाम है अविनाश। अविनाश का जन्म आप जानते हैं बरेली उत्तर प्रदेश में 1936 में हुआ है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चंस भी बनेंगे। 1957 से 60 के बीच वे कला अध्ययन के लिए बंबई जाते हैं और उनके अन्य टेम्परा और तैल चित्रण में लय, फलवाली, गढ़वाली नृत्य, रिंकी, शव यात्रा आदि जो सुंदर चित्र है, ये टेम्परा माध्यम में है। उन्होंने वास शैली तथा प्रभाव आदि दृष्टि के पाश्चात्य 1960 में अस्फुटित कला को अपनाया और उनके मोमियो चित्र उत्तम बने, जिसमें हिचकोले आता है, चंद्र यात्रा आता है, संघर्ष आता है, और संघर्ष और चंद्र यात्रा बहुत उत्तम रचना मानी जाती है। याद रखना, मोमियो चित्रों में बहुत उत्तम रचना है अविनाश की। कौन? चंद्र यात्रा और उत्तम। अच्छा, चंद्र यात्रा और संघर्ष, ये बढ़िया रचना मानी जाती है। उन्होंने पहाड़ी जोड़े तथा मकबरा नामक चित्रों पर शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सम्मिलित कर चुका है। इस समय मूर्ति और अमूर्ति कला के प्रयोगों में जो है लगे हुए हैं वे। संप्रति डॉक्टर अविनाश वर्मा DAV कॉलेज देहरादून के चित्रकला विभाग, ड्राइंग एंड पेंटिंग विभाग के अध्यक्ष पद से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। उनके चित्र तथा लेख धर्मयुग हैं, सारिका है, तुलिका है, जगत है आदि पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके गढ़वाली कला की वर्तिकाएं आकाशवाणी से भी प्रसारित हो चुकी हैं। याद रखना, अविनाश का नाम बहुत पुराना है। अविनाश एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर अविनाश 1936 में जन्म होता है। कहाँ पर होता है? बरेली उत्तर प्रदेश में होता है। उनके टेम्परा तथा तैल रंगों से बने चित्रों में तुलिका स्पर्शों और लयात्मकता का ज्यामितीय आकारों में गठन किया गया है, गठन दार्शनिक है। उनके चित्र अमेरिका के साथ साथ कहाँ, कनाडा और भारत के अनेक नगरों जैसे शिमला, मद्रास, अलीगढ़, दिल्ली, भोपाल, जयपुर, बम्बई और देहरादून में पहुँच चुके हैं अविनाश के चित्र। चित्र कौन कौन से हैं? तो चित्र आपने देखा है, चाहे वो पुस्तक की बात करें सारिका, तुलिका और धर्मयुग में जो है छप चुके हैं, चाहे वो चित्र फलवाली हो, लय हो, गढ़वाली नृत्य हो, या फिर रिंक हो, शव यात्रा हो, ये सब रानी चित्र है, या फिर मूल रूप से रानी खेत हो, बटवृक्ष हो, या फिर बनारस की घाट नौकाएं हो, ये सब लैंडस्केप। सभी की सभी रचनाएं मूल रूप से किससे संबंधित हैं? अविनाश से संबंधित है। अविनाश का जन्म पूछा जा सकता है बरेली उत्तर प्रदेश 1936। अगला महत्वपूर्ण नाम अनादि अधिकारी का है। अनादि अधिकारी बम्बई क्षेत्र के प्रतिभावान कलाकारों में गिने जाते हैं। इनके कला में अत्यधिक अनुशासन रहा है, सच्चाई और लगन रहा है। आपने काम चित्रों की रचना की है, परंतु उसका स्तर जो है उच्च रखा है। आपका सौम्य प्रवृत्ति के हैं और एकांत और शांतिमय जीवन के पक्षपाती बताए जाते हैं। आप अपने एकांत जीवन पर कैनवास पर मूर्तिमान करना चाहते हैं। तो ये अनादि अधिकारी की बात हो गई। उसके बाद अब्दुल रहमान जो है, अब्दुल रहीम अप्पा भाई आलमेकर की बात करेंगे। अब्दुल रहीम अप्पा भाई आलमेकर को पढ़ते हैं। आलमेकर मूल रूप से बम्बई के प्रतिष्ठित कलाकारों में एक रहे हैं। बम्बई JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स के लिए भी फेमस है, आप ये तो जानते ही हैं।
उन्होंने यामिनी राय और अमृता सहगल के कलात्मक मान्यताओं को अपनी सूझबूझ के आधार पर आगे बढ़ाया और उन्होंने परंपरा से प्रेरणा ग्रहण की, वर्तमान का समर्थ्य जो है या फिर समर्थन किया है उन्होंने और वर्तमान को आगे बढ़ाने में काम किया है। उनकी कला में राजपूत कला और मेडन मंडल शैली का समन्वय पाया जाता है, पाश्चात्य कला का समर्थन उन्होंने नहीं किया है। उनके चित्र रेखा प्रधान हैं, उनकी रेखाओं में बल और गति के साथ आलंकारिकता की क्षमता है। उनकी कृतियों में रेखा से पुनर्जन्म, पक्षी और आदिवासी महिला उल्लेखनीय चित्रों में शुमार हैं। तो पूछा जा सकता है अब्दुल रहीम अप्पा भाई आलमेकर की रचना कौन सी है, तो पक्षी तथा आदिवासी महिला किसकी रचना है, अब्दुल रहीम अप्पा भाई आलमेकर की है। पुनर्जन्म पूछा जा सकता है तो राख में पुनर्जन्म अगर पूछ ले तो राख से पुनर्जन्म या फिर राख में पुनर्जन्म अच्छी रचना है, अब्दुल रहीम अप्पा भाई आलमेकर की। याद रखना है ये इसका संबंध कहाँ से रहा है, बम्बई से रहा है। आगे अगर बात करें तो उन्होंने जनजातीय के जीवन से संबंधित चित्र बहुत ज़्यादा बनाए हैं और एक उत्तम कृष्ट में चित्र इन्होंने बनाया है। उत्तम चित्रों को बनाने का काम अब्दुल रहीम अप्पा भाई आलमेकर का रहा है। तो ये हो गए अब्दुल रहीम अप्पा भाई। अगला नाम देखते हैं अकबर पद्मसी का। अकबर पद्मसी की अगर बात करें तो इनका जन्म मूल रूप से 1929 ईस्वी में हुआ है। इन्होंने बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा ग्रहण की। 1950 में वे राजा के साथ पेरिस गए, राजा मतलब रवि वर्मा के साथ पेरिस गए और वहाँ उन्होंने विश्व के महान कला शैलियों और कृतियों से तुलनात्मक अध्ययन किया है। उनके चित्रों की देश विदेश की अनेक बार की प्रदर्शनी आयोजित हो चुकी है। अकबर पद्मसी के अनुसार चित्रों को देखने के लिए हो, अच्छा चित्र देखने के लिए होते हैं, उसका दृष्टि आकर्षण ही उसकी सफलता है। ये राजा रवि वर्मा नहीं कह रहे हैं, ये अकबर पद्मसी कह रहे हैं कि चित्र देखने के लिए होता है, उसका दृष्टि आकर्षण ही उसकी सफलता है। अगला पॉइंट अगर कहा जाए तो अगला पॉइंट कहा जाता है विदेश से लौटने पर 1954 में पद्मसी की कृतियों को भारत में यथोचित सम्मान दिया जाता है। इस प्रदर्शनी के चित्रों पर अश्लीलता का दोष लगा करके प्रदर्शनी को चित्रकारों को बम्बई के सत्ताधारियों ने बंद करवा दिया। कुल मिलाकर के अश्लीलता का आरोप लगाया गया अकबर पद्मसी पे और इन्हें थोड़ा सा बैन करने का प्रयास किया गया, परंतु न्यायालय पद्मसी के पक्ष में आया और उन्होंने पद्मसी को छुटकारा दिलवा दिया। पद्मसी के चित्रों में प्रायः रंग काले रहे हैं, भूरे रहे हैं, सफ़ेद रहे हैं, गुलाबी रहे हैं और ग्रे कलर के रंगों का प्रयोग अकबर पद्मसी ने अपने चित्रों में किया है। उनकी आकृतियों में कुछ अपनी मौलिक विशेषताएं हैं जिसके द्वारा भाव विभक्ति हो सकती है, भाव विभक्ति की गई है। तो अकबर पद्मसी से अगर क्वेश्चंस पूछेगा, जन्म पूछ सकता है कब हुआ, 1929 में हुआ, मूल रूप से कहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, बम्बई में मूल रूप से स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा ग्रहण की। तो ये हो गया बात अकबर पद्मसी का। उसके बाद आरपी श्रीवास्तव को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आरपी श्रीवास्तव को आपने अभी नहीं पढ़ा है। आरपी श्रीवास्तव की अगर बात करें तो डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन पटियाला में फाइन आर्ट डिप्लोमा के अध्यक्ष पद पे अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। उन्होंने यथार्थवादी शैली के पाश्चात्य प्रयोगवादी कलाकारों के रूप में सशक्त कृतियाँ प्रस्तुत की हैं। उनके चित्र तथा लेखन अनेक पत्र पुस्तिकाओं में भी सम्मानित तो हो चुके हैं। उन्होंने अनेक सेमिनार्स तथा चित्रकार कार्यशालाओं का आयोजन किया है और पटियाला क्षेत्र के कला को अग्रसर किया है। उनके तैलचित्र पंजाब और पंजाब के बाहर भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा प्राप्त कर चुके हैं। तो ये आरपी श्रीवास्तव की बात है। आरपी श्रीवास्तव कहाँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन पटियाला में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में ये कार्य कर चुके हैं अध्यक्ष के रूप में। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है उषा मंत्री का। उषा मंत्री की अगर बात करें तो उषा मंत्री ने लोक कला की परंपरा पर अपनी कला शैली का विकास किया। अमृता सहगल के पश्चात उनका नाम माना जाता है। उषा के चित्रों में नारी जीवन का विषाद है, करुणा है, ममता है, ऐसा दर्शाने का प्रयास उषा मंत्री ने किया है। उनके चित्रों में दर्द की अंगड़ाइयाँ हैं और हृदय स्पर्शी चित्र बनाने का प्रयास उषा मंत्री ने किया है। तो ये रचना पूछा जा सकता है कि दर्द की अंगड़ाई किसने बनाया, तो उषा मंत्री की रचना है। याद रखना, उषा मंत्री के बाद क्या नाम आएगा, एन खन्ना का नाम आता है। एन खन्ना की अगर बात करें तो जन्म 1940 ईस्वी में शिक्षा राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में एन खन्ना ने ग्रहण की है। मूल रूप से आगे की बात करें तो भारत के अनेक महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में चित्रों का प्रदर्शन होता रहा। अनेक एकल प्रदर्शनियों का आयोजन हो चुका है। वे उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकेदमी के सचिव के पद से जो है अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। एन खन्ना कहाँ से पढ़े हैं, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से पढ़े हैं। जन्म कब हुआ, 1940 में हुआ। कहाँ पे सचिव के पद से, तो उत्तर प्रदेश की राज्य ललित कला अकेदमी के सचिव के पद से वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
एन खन्ना का नाम था। उसके बाद आप के एच आरा यानी कृष्ण हौलाजी आरा की बात करते हैं। आइए के एच आरा के बारे में देखें। आरा के चित्रों की अनेक प्रदर्शनियां देश विदेशों में आयोजित हो चुकी हैं। आरा ने विशेष रूप से प्राकृतिक विषयों को संबंधित करके चित्रों को बड़ी मौलिकता से बनाने का प्रयास किया है। उनकी कृतियों में फूल फल फारसी लघु चित्रों की याद दिलाते दर्शाए गए हैं। इन चित्रों के फल फूलों में रंगत तो है पर सुगंध का आभास नहीं हो पाता है। आरा के चित्रों ने 1969 में जहांगीर आर्ट गैलरी बंबई में प्रदर्शनी आयोजित की गई जो पर्याप्त सफल मानी गई। इस प्रदर्शनी में आयोजित की गई 50 नग्न चित्रों को लेकर के विरोधी दल ने बंबई प्रशासन से लेकर के प्रदर्शनी बंद करवाने की मांग कर दी। के एच आरा की 50 नग्न जो है तस्वीरों पर ज़्यादा विरोध बढ़ा, परंतु उनके चित्रों को सराहा गया और प्रदर्शनी ज्यों की त्यों चलती रही। के एच आरा कोई हल्के व्यक्तित्व के धनी नहीं रहे हैं। उनका विरोध भी हुआ लेकिन उनकी प्रदर्शनी आगे चलती रही। तो ये बात के एच आरा की है। के एच आरा के बाद एक और खास कलाकार के हब्बर जो आपके सिलेबस में भी हैं, इन्हें देखिए। के हब्बर की अगर बात करें तो के हब्बर सतत अपनी शैली के निजीपन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने अमृता से प्रेरणा ली और आगे चल करके वे जॉर्ज क्रीट की चित्र शैली और फ्रांस की विविध शैलियों से प्रभावित हुए। उन्होंने रंगों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेकर के चित्रों का रंग विधान प्रस्तुत किया है। उनके चित्रों के विषय जो है वो कृषक, मजदूर मछली वाले, फल फूल बेचने वाले और श्रमिक लोग रहे हैं। उनकी रेखाकृतियाँ लयपूर्ण हैं और नाटकीय गति से सजीव बन पड़ती हैं। हब्बर के चित्रों में रंग योजना, मौलिकता और रुचिकर दिखाई देती है। उन्होंने राजपूत शैली के चित्रों के लिए रंगों की लाक्षणिकता और चटकपन के महत्व को पहचाना है और उन्होंने अपने चित्रों में लाल, पीले, नीले रंगों का प्रयोग खूब अच्छे से किया है। 1960 की अगर बात करें तो 60 में उनके चित्रों का ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की कला दीर्घा में भी प्रदर्शनी हो चुकी है। इस प्रदर्शनी में उन्होंने नए दृष्टिकोण से परिपूरित चित्र प्रदर्शित किए थे। उसमें तैलीय चित्र सराहनीय रहे। ब्रांज और श्रीनगर उनकी उत्तम कृतियां मानी जाती हैं। ब्रांज और श्रीनगर सबसे उत्तम कृति किसकी है तो के हब्बर की मानी जाती है, याद रखना, के हब्बर। इसके बाद मूल रूप से के एस कुलकर्णी की बात होगी। के एस कुलकर्णी की अगर बात हो तो के एस कुलकर्णी का जन्म पूना के समीप बेलगांव में 1918 में हुआ था। 1940 में बंबई के सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स आए। सर जेजे स्कूल ऑफ से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। उसके पास जो है मूल रूप से उसके पश्चात सरकार ने उनको 2 वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान कर दी और यूरोप और अमेरिका तथा एशिया के अनेक देशों में वे कई बार भ्रमण कर चुके हैं। कौन? के एस कुलकर्णी। और जब वो भ्रमण कर चुके तब उसके बाद मूल रूप से 50-51 में अमेरिका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में वे भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में जाते हैं। कौन जाता है? के एस कुलकर्णी जाते हैं। और जब भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में सम्मिलित होते हैं उसके बाद 1955 में राष्ट्रीय ललित कला अकेदमी का पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त होता है। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल सुसज्जित करने में भी ख्याति पाई। आप जानते होंगे कांग्रेस के पांडाल को सजाने के लिए नंदलाल बोस का नाम बहुत फेमस है, नंदलाल बोस का नाम। लेकिन एक आध पांडाल मूल रूप से कभी कभी के एस कुलकर्णी के नामों में ही आ गया है, तो याद रखना होगा। के एस कुलकर्णी के चित्रों का आधार ग्रामीण जीवन और जो है जल जीवन रहा है, तो ग्रामीण कला का जीवन ही मूल रूप से उनका चित्रों का आधार रहा है। उनके चित्रों का संग्रह अगर बात करें तो देश और विदेश में अनेक चित्र संग्रहालयों में सुरक्षित पाया जाता है। उनके चित्रों में कथावाचक और जो है श्रृंगार उत्तम कृतियां मानी जाती हैं। कथावाचक को किसने बनाया है? के एस कुलकर्णी की अच्छी रचनाओं में शुमार है। श्रृंगार चित्र जो है किसने बनाया है? के एस कुलकर्णी की अच्छी रचनाओं में शुमार मानी जाती है, याद रखना है श्रृंगार। अगला महत्वपूर्ण नाम गोपाल कृष्ण का है। गोपाल कृष्ण की अगर बात करते हैं तो जन्म 1941 में गोपाल कृष्ण ने एमए अंग्रेजी की उपाधि बरेली कॉलेज से प्राप्त की है। कला प्रेम के कारण कला शिक्षा राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से इन्होंने ग्रहण की। उसके बाद भारत की महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में उन्होंने चित्रण का प्रदर्शन हो चुका है। अनेक पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। 1957 में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकेदमी के द्वारा, 1971 में उत्तर प्रदेश कलाकार संघ द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में ह्यूमैनिटी विभाग में कला अध्यापक का कार्य करने के पश्चात पूना चले जाते हैं। कौन? गोपाल कृष्ण जी, जिनका जन्म मूल रूप से 1941 में होता है।
आगे बात करते हैं तो गोपाल जी कहते हैं, मैं अधिकतर प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होकर जल रंग और तैलीय रंगों में दृश्य अंकित किया था। बाद में जब मैं कानपुर में रहने लगा तो मेरे ऊपर औद्योगिक नगर की प्रतिक्रियाएं गहराई से असर करने लगी। मेरे इधर के चित्रों में यही प्रतिक्रियाएँ घनीभूत होकर के अभिव्यक्ति पाने लगी थी। इस प्रतिक्रिया का स्वरूप भावना प्रधान अधिक है, इसलिए इसे अमूर्त रूपों में सफलतापूर्वक व्यक्त किया जा सकता है। बरेली ग्रुप के वे उदयमान युवा कलाकार माने जाते हैं। बरेली ग्रुप के थोड़ा सा अच्छे कलाकारों में उनका नाम शामिल है। तो ये तो नाम हो गया गोपाल कृष्ण का। गोपाल कृष्ण के बाद गोपाल मधुकर को थोड़ा सा पढ़ते हैं। गोपाल मधुकर की अगर बात करें तो राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ से मूर्तिकला में पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त करके बैजनाथ कांगड़ा में कला प्रशिक्षक रहे हैं। उनसे मूल रूप से इन्होंने कार्य किया। संप्रति व बार हसैनी कॉलेज अलीगढ़ के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष पद पे भी जो है अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। उनका चित्रण मूर्तिकला दोनों पर असमान स्तर पे रहा है या फिर समान स्तर पे रहा है। गोपाल मधुकर एक अच्छे मूर्तिकार भी रहे हैं और चित्रकार भी रहे हैं। उनके चित्रों में दहेज बहुत अच्छे रचना मानी जाती है। दहेज के साथ साथ चीन और भारत, मृत्यु और शांति आदि उल्लेखनीय चित्र किसने बनाया तो गोपाल मधुकर के द्वारा बनाया जाता है। वही गोपाल मधुकर जिन्होंने मूल रूप से कला की शिक्षा लखनऊ के राजकीय कला विद्यालय से प्राप्त की। आगे बात करें तो उनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी कला दीर्घा में आयोजित हो चुकी है, जो आप मूल रूप से जानते होंगे नई दिल्ली में स्थित है। उनके चित्रों में मूर्ति का ठोसपन और टेक्सचर की मौलिकता दिखाई पड़ती है। डॉक्टर मधुकर ने कोलाज चित्र भी बनाए हैं जो उत्तम हैं। वह सदैव ही नवीन प्रयोगों को जो है जागरूक करते रहे हैं और सदैव नई शैली में चित्र रचना करते रहे हैं। ऐसा कार्य मूल रूप से किसका रहा है? गोपाल मधुकर का रहा है। गोपाल मधुकर की अगर बात करें उसके बाद आता है छाया आर्या का नाम। छाया आर्या की अगर बात करते हैं 1959 में छाया ने सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बम्बई से डिप्लोमा ग्रहण किया और 2 वर्ष अध्ययन के बाद ही सरकार से छात्रवृत्ति पाई। इसके समय अपने विवाह के पश्चात उन्होंने पति के साथ इंग्लैंड जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जहाँ उन्होंने पिकासो के चित्रों की प्रदर्शनी देख करके उससे प्रेरणा ली। उनकी कला जो है पाश्चात्य और भारतीय कला की संयोग रही है। छाया आर्या कहाँ से शिक्षा ग्रहण करती हैं? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बम्बई से ग्रहण करती हैं। उसके बाद छैल बिहारी बरतरिया का नाम देख लीजिए। छैल बिहारी बरतरिया की अगर बात करते हैं तो छैल बिहारी बरतरिया का जन्म बरेली में हुआ है। इससे पहले बरेली के एक कलाकार को आपने पढ़ा था, उनका नाम क्या था? तो बरेली के उस प्रयोगशाली कलाकार का नाम आपने देखा था, मूल रूप से अविनाश था। ठीक है, छैल बिहारी बरेलिया की अगर बात करें, कला अध्ययन हेतु वह सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बम्बई जाते हैं और यहाँ पर उन्होंने पिक्टोरियल कंपोजिशन में विशेष पुरस्कार प्राप्त किया और उनको सर जे स्कूल आर्ट का सर्वश्रेष्ठ छात्रों में गिना गया। उनकी कला प्रतिभा के कारण उनको स्वर्ण पदक तथा अनेक पुरस्कार से नवाजा गया है। उनके चित्रों की प्रशंसा बम्बई तथा अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। वे DAV कॉलेज कानपुर के कला विभाग के अध्यक्ष पद पर भी 40 वर्ष तक कार्य करते रहे। कौन? छैल बिहारी बरतरिया। स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण वह सदैव जो है चित्र की परिकल्पना में लगे रहे। उन्होंने जो है उनके कंपोजन या फिर कंपोजिशन चित्रों में रंगों की कोमलता, रेखाओं की बारीकता को जो है बहुत अच्छे से सराहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने न्यूनतमवादी दृष्टिकोण दर्शाया और अमूर्त चित्र विधान लेकर के सफल चित्रों का संयोजन करना स्टार्ट कर दिया। जो है तैल रंगों पर टेम्परा रंगों तथा उनके असाधारण अधिकार रहे हैं। DAV कॉलेज से सेवानिवृत्ति होने के पश्चात कुछ समय तक जो है कला में लीन रहे, उसके बाद उनका निधन हो जाता है। कानपुर की कला को उन्होंने नई दिशा और अनेक प्रगतिशील कलाकार देने का प्रयास किया है छैल बिहारी बरतरिया ने। याद रखना, छैल बिहारी बरतरिया 40 वर्षों तक लगातार कानपुर के कौन से कॉलेज? DAV कॉलेज में कला विभाग के अध्यक्ष रहे। अगला नाम ज्योति भट्टाचार्य का आता है। आर्ट जो है कलकत्ता आर्ट स्कूल में कला शिक्षा प्राप्त करके वे इटली की कला का अध्ययन करने के लिए विदेश जाते हैं। उनकी कृतियों में यथार्थवाद, प्रभाववाद और अंत में सूक्ष्म और अमूर्त कला का उत्तम रूप प्रस्फुटित होता है। ग्राफिक्स के आज वे सुप्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। कौन? ज्योतिष भट्टाचार्य।
इनको 1959 ईस्वी में और 1961 ईस्वी में क्रमशः राष्ट्रपति से रजत पदक और स्वर्ण पदक भी प्राप्त हो चुका है। किसे प्राप्त हुआ है? तो मूल रूप से ज्योतिष भट्टाचार्य को ऐसा उपमा, ऐसा जो है पुरस्कार मिल चुका है, इसे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अगला महत्वपूर्ण कलाकार का नाम आएगा जॉर्ज कीट। जॉर्ज कीट की अगर बात करें तो जन्म श्रीलंका में होता है। कार्य इनके बहुत खास रहे हैं। जॉर्ज कीट की अगर बात करते हैं, जन्म श्रीलंका में हुआ है, परंतु वे अपनी कला की शैली के कारण भारतीय कला के क्षेत्र में सम्मानित हैं। जॉर्ज कीट ने भारतीय कला और संस्कृति का अध्ययन ही नहीं किया, वरन उनको आत्मसात कर लिया है। उनका रंग विधान रेखा संयोजन भारतीय होते हुए उनकी मौलिकता दर्शनीय है। उनकी कला पर पिकासो, सेंजा, गोगवा तीनों की कलाओं का प्रभाव माना जाता है। उन्होंने ज्यामितीय ढंग से आकृतियों की रेखाओं में बद्धता बांधना सिद्ध किया है। कुल मिलाकर के रेखाओं को बंधन में बांधने का प्रयोग किया है। उन्होंने संपूर्ण चित्र विन्यास को ज्यामितीय रेखाओं, त्रिभुजों आदि से विभक्त करके इच्छित रूपों को प्राप्त किया है। उन्होंने कृष्ण लीला संबंधी चित्रों का उल्लेखनीय योगदान पाया जाता है। तो ये बात हो रही थी जॉर्ज कीट की, जिनका जन्म श्रीलंका में हुआ है। उसके बाद प्राणनाथ मांगो को थोड़ा सा देख लो। प्राणनाथ मांगो पंजाब के निवासी हैं। उन्होंने पंजाब के रंगीन उत्साहपूर्ण जीवन को समीप से देखा है। उनकी शैली में लोक कला का अद्भुत सम्मिश्रण है। उनके चित्र प्रभाववादी धारणा पर आधारित रहे हैं। संप्रति वे ऑल इंडिया हैंडीकैप्ट बोर्ड दिल्ली में आलेखन विभाग के निर्देशक हैं। प्राणनाथ मांगे, याद रखना है, प्राणनाथ मांगे पंजाब के निवासी रहे, पंजाब। अगला नाम आता है पीटी रेड्डी का। पीटी रेड्डी की अगर बात करते हैं तो पीटी रेड्डी ने बम्बई के सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला में डिप्लोमा प्राप्त करके निरंतर कला साधना की है। आपकी कला साधना के 25 वर्ष के पश्चात उनकी कृतियों में अस्पष्ट उभार आ गया है। उनके चित्रों में लोकशैली तथा टेक्सचर प्रणाली का अद्भुत सम्मिश्रण मिला है। उनके चित्रों में तीन सखी हो गया, नृत्य करती हुई युवती हो गया, विश्राम हो गया आदि जो है बहुत अच्छी रचनाएं हैं। तीन सखी, नृत्य करती हुई युवती और विश्राम जो रचना है पीटी रेड्डी की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार। ये पीटी रेड्डी की बात हो गई। पीटी रेड्डी के बाद एक प्रख्यात कलाकार परमानंद चोयल, जिसे भैंसों का चितेरा कहा जाता है, उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। वह महाराज भूपाल कॉलेज उदयपुर के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला में शिक्षा प्राप्त कर इंग्लैंड में कला का उच्च अध्ययन किया था। उन्हें इस अध्ययन के लिए जापान सरकार ने भेजा था। उन्होंने तेल रंग में सुंदर लैंडस्केप बनाए, जो है उनकी डिस्टॉर्शन शैली की कृतियां उत्तम मानी जाती हैं। उनके रंग चमकदार हैं और टेक्सचर को उन्होंने मुख्य रूप से प्रयोग किया है। किन्होंने? परमानंद चोयल ने। तो ये नाम परमानंद चोयल का है। अगला महत्वपूर्ण कलाकार प्रफुल्ल चंद जोशी या फिर प्रफुल्ल को हम लोग देखेंगे। प्रफुल्ल चंद जोशी की अगर बात करें, श्रीमती प्रफुल्ल चंद जोशी का नाम आधुनिक महिला चित्रकारों में विशिष्ट स्थान है। उनका जो है, उनको 1954 में रागनी टोडी नामक चित्र पर बम्बई की आर्ट सोसाइटी से पुरस्कार मिल चुका है। तो ये रचना पूछा जाता है कि रागनी टोडी चित्र किसने बनाया? तो रागनी टोडी चित्र मूल रूप से प्रफुल्ल चंद्र जोशी, श्रीमती प्रफुल्ल चंद जोशी के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार दरबारी कांगड़ा पर भी उनको सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से स्वर्ण पदक मिला। तो दरबारी कांगड़ा और रागनी टोडी किसकी रचना है? प्रफुल्ल चंद जोशी की अच्छी रचनाओं में शुमार। आगे अगर बात करते हैं तो अगले कलाकार का नाम आता है प्रकाश चंद्र बरुआ। प्रकाश चंद्र बरुआ की अगर बात करें तो इनका जन्म 15 अगस्त 1926 को हुआ। मेरठ कॉलेज से बीए डिग्री प्राप्त कर वे एक सफल अभिनयकार के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। चित्रकला का प्रेम उन्हें सदैव रहा है और वे कलाकारों से सदैव संसर्ग में रहे। उन्होंने मिट्टी के पात्रों की चित्रकारी, दृश्य चित्रण और अलंकार संबंधी कला को विशेष रूप से अपनाया है। बाद में उन्होंने दृश्य चित्रों पर विशेष बल दिया, जिसमें रंग का स्वच्छ प्रयोग हुआ है और टेक्सचर आकर्षक बनाने का प्रयास इनका द्वारा किया गया। 1972 में उन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी की कला दीर्घा दिल्ली में आयोजित की है। वह जेबी जैन कॉलेज सहारनपुर में कला विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे और 1983 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो जाता है।
25 नवंबर 1983 को उनका स्वर्गवास हो जाता है। बहुत खास कामों में उनका नाम रहा है। याद रखना, जन्म 15 अगस्त 1926 को हुआ था प्रकाश चंद्र बरुआ का। मेरठ से मूल रूप से कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। दृश्य चित्रण में बहुत खास हस्तियों में शुमार रहे। अगला नाम बंकिम चंद चटर्जी का। आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जो शांति निकेतन के प्रिय शिष्य हैं, दूसरी ओर कला आचार्य नंदलाल बसु कला भवन शांति निकेतन के शिष्य हैं। आपने भारतीय हिंदी साहित्य और कला के गौरवमयी रूप को पहचाना है और आचार्य नंदलाल बसु की कला परंपरा के आप विशिष्ट कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। आपने भागलपुर में कला केंद्र की स्थापना करके भारतीय चित्रकला की महान सेवा की है। आपने भागलपुर विश्वविद्यालय में ललित कला और शिल्प संकाय के अध्यक्ष के रूप में महान कार्य करके भारतीय कला को आगे बढ़ाने में जो प्रयास किया है वो अविस्मरणीय है। आपने गुरुदेव से भी प्रेरणा ली है, गुरुदेव मतलब रवींद्र बाबा, उनसे भी प्रेरणा ली है। भागलपुर से आपने भारतीय कला प्रसारण एवं प्रचार का कार्य किया है। आप कला समीक्षक और लेखक भी हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, मूल रूप से इनका संबंध कैसा रहा है। तो जैसे आप बंकिम चंद चटर्जी लिखेंगे तुरंत आपको कला समीक्षक के रूप में और लेखक के रूप में इनका नाम आएगा। आपने बिहार के जनजीवन को बहुत मार्मिक चित्रित करने का काम किया है। तो ये नाम था बंकिम चंद चटर्जी का। अगला नाम विजय भारद्वाज का हम लोग पढ़ेंगे। विजय भारद्वाज की अगर बात करें तो कुमारी विजय ने सरल और सुंदर वर्ण विधान युक्त शैली अपनाई। उनके चित्र मसूरी आदि स्थानों में प्रदर्शित हो चुके हैं। संप्रति वे महारानी भाग्यवती देवी कॉलेज बिजनौर से चित्रकला विभाग की अध्यक्षा हैं और उन्होंने बिजनौर में कला जागरण लाने हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे उन्हें से बहुत आशा की जाती है कि वे आगे निरंतर ऐसे कार्यों में लिप्त रहेंगे। अगला नाम भावेश चंद्र सान्याल का। भावेश सान्याल चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूप में जाने जाते हैं। दोनों रूप में जो है ख्याति प्राप्त हो चुकी है। आपके चित्रों में लोक कला की सरलता है, प्रभाववादी है, आकृतियां हैं, चित्रात्मक रंग विधान है और अजंता शैलियों के संपाटन है। उनके चित्र स्नान और संगीतक उनकी तकनीकी और शैलीगत विशेषताओं के प्रतीक माने जाते हैं। आपके चित्रों में बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखाई देती है। तो स्नान और संगीतज्ञ किसकी रचना है? स्नान और संगीतज्ञ भावेश चंद्र सान्याल की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। तो भावेश चंद्र सान्याल के बाद आपको ये देखना होगा ज्ञानेंद्र कुमार को। ज्ञानेंद्र कुमार की अगर बात करते हैं, जन्म 1 जून 1941 को चंद्रौशी उत्तर प्रदेश में, कार्य क्षेत्र देहरादून उत्तराखंड में है इनका। शिक्षा मास्टर्स इन फिलॉसफी, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, एडवांस ट्रेनिंग एंड एस्बेस्टस पेंटिंग स्कल्पचर एंड सेरेमिक्स, हाई वाई कॉम्बो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्ट यूनाइटेड किंगडम तथा इंटरनेशनल समर एकेडमी फाइन आर्ट्स ट्रेनिंग में मूल रूप से इन्होंने सेवाएँ की। सेवा चीफ आर्टिस्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, सेवा काल जो है 1965 से 2001 तक रहा है। लेखक और कवि के रूप में जाने जाते हैं। अनेक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। अनेक साल चित्र प्रदर्शनियां आयोजित कर चुके हैं। चित्र ICCR तथा इंड्रो फ्रेम सेंटर देहरादून की चित्र प्रदर्शनी हो चुके हैं। 21 दिसंबर 2012 को इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन आज़ाद भवन आर्ट गैलरी नई दिल्ली में 16 चित्रों की 16 प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें से एम्बेसेस, मेलनकंडी, मूंड और जो है इंट विंटेड की बात करें, मिस्टीरियल पावर की बात करें, ऐसे चित्र मूल रूप से सशक्तित शैलियों में दर्शाने का प्रयास किसका रहा है? तो दर्शाने का प्रयास ज्ञानेंद्र कुमार का रहा है। जन्म कहाँ पे हुआ है? चंद्रौली में, 1 जून 1941 को। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद जो प्रख्यात कलाकार हैं उनका नाम आता है मगन सिंह। मगन सिंह की बात करें तो चित्रकला विभाग आगरा कॉलेज में, आगरा के मानसिंह आर्या भी आगरा विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात भगवती काम्बोज में पाश्चात्य प्रवक्ता नियुक्त होकर के पहुंच गए। 1989 में वे इसी विभाग के अध्यक्ष बने। आपने यथार्थवादी शैली अपनाई है और मुखाकृति चित्रण में विशेष दक्षता पाई है। उनके चित्र राष्ट्रीय प्रदर्शनी में सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने वर्णतान पोत को अपने चित्रों में बहुत कलात्मक ढंग से प्रयोग किया है। तो वर्णतान पोत को कलात्मक ढंग से किसने प्रस्तुत किया है? मूल रूप से
मगन सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मगन सिंह के बाद चित्रा सिंह को थोड़ा सा देख लेते हैं। चित्रा सिंह की अगर बात करें तो श्रीमती चित्रा सिंह संप्रति चित्रकला विभाग आगरा कॉलेज की आगरा की अध्यक्षा हैं। वे प्रगतिशील महिला कलाकार हैं। उनके तैलीय चित्र प्रयोगशील कलाकार के उदाहरण माने जाते हैं। अनेक प्रदर्शनियों में चित्र सम्मानित तो हो चुके हैं। इताली भ्रमण की अगर बात करें तो उनके पाश्चात्य से उनका रंगात्मक दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। चित्रा सिंह मूल रूप से कहाँ पे, तो आगरा कॉलेज में विभागाध्यक्ष। आगे मदन लाल नागर की बात होगी। मदन लाल नागर वही जिन्हें लखनऊ का चितेरा होने का गौरव प्राप्त है। मदन लाल नागर का जन्म तो 4 जून 1923 को कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में हुआ है। इनको स्कूली शिक्षा प्रगति 9वीं कक्षा से आगे ना बढ़ सकी। मदन के अग्रज विख्यात लेखक अमृतलाल नागर ने उनको लखनऊ के सरकारी आर्ट स्कूल में भर्ती करवा दिया, जहां उन्होंने असित कुमार हलधर जैसे चित्रकारों का निर्देशन प्राप्त हुआ। 1946 ईस्वी में इस स्कूल की शिक्षा समाप्त कर दमन ने देश के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। 1949 में लखनऊ और 1951 में मसूरी में आयोजित अखिल भारतीय प्रदर्शनियों में उनके चित्र प्रदर्शित किए जा चुके हैं। 1950 ईस्वी में उन्होंने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी लखनऊ में आयोजित की। तब से वे अनेक एकल चित्र प्रदर्शनियाँ आयोजित कर चुके हैं। 1972 ईस्वी की प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकेदमी में उनकी एक न्यूनतमवादी कृति पर को पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने अनेक शैलियों में प्रयोग किए हैं। उनकी कृतियों में मनुष्य की मायाजाल उत्तम कृतियों में शुमार है। मनुष्य का मायाजाल किसने, तो मदन लाल नागर ने बनाया है। 1963 में उनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से निराला पुराना शहर नामक चित्र का पुरस्कार भी मिल चुका है। किसको मिला है, मदन लाल नागर को मिला है। मदन लाल नागर के बाद माधव सात्वलेकर को हम लोग पढ़ेंगे। माधव सात्वलेकर की अगर बात करें तो माधव सात्वलेकर बंबई क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं। उनकी कृतियों में पाश्चात्य और भारतीय कला का मौलिक ढंग से संयोग किया गया है। कोमल छाया और प्रकाश से निबद्ध उनकी आकृतियां सीमा रेखाओं में गहराई के साथ चित्र के धरातल में बैठी गई हैं। बुद्ध संबंधी चित्र उनके विशेष चित्रों में माने जाते हैं। इसी प्रकार रामायण की कथा, स्वर्ण मृग आदि चित्र सुंदर हैं। स्वर्ण मृग चित्र किसके हैं, तो मूल रूप से माधव सात्वलेकर के हैं। अगला नाम मनीषी डे का है। मनीषी डे की अगर बात करते हैं, मनीषी डे ने भारतीय कला के उत्थान के सतत प्रयत्न किए हैं। उनकी कृतियों में भारतीय रेखा और आकृतियों की सरलता दर्शनीय है। वे लोक कला से प्रभावित हैं। उनके चित्रों में रेखा श्रेष्ठ और रंग विधान उत्तम आकर्षक है। उनके चित्रों में संथाल वधू और दीपावली आदि उल्लेखनीय चित्र हैं। उनकी रेखाएँ शक्तिशाली रेखाओं से निबद्ध हैं। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है मकबूल अंसारी का। मकबूल अंसारी की अगर बात करें तो डॉक्टर मकबूल अंसारी कानपुर के प्रगतिशील कलाकारों में महत्वपूर्ण थे। उन्होंने यथार्थ प्रभाववादी और स्फुटित शैलियों में सफल चित्रों का रेखांकन किया या फिर रचना किया। उनके स्फुटित चित्र प्रयोगों में रंग पोत और आकार का सुखद तालमेल दिखाई पड़ता है। वे स्वयं प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर चित्र प्रदर्शनियों का आयोजन करते रहे हैं। 1989 ईस्वी में उन्होंने महादेवी वर्मा की रचनाओं पर आधारित अनेक राष्ट्रीय चित्रकारों द्वारा रचित चित्रों की प्रदर्शनी का दिल्ली में आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के चित्रकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वह डीएवी कॉलेज कानपुर के चित्रकला विभाग के वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर कार्यरत रहे और मूल रूप से इस संसार से विदा हो गए हैं। डीएवी कॉलेज कानपुर से चित्रकला विभाग में प्रवक्ता के पद पर रहते हुए मकबूल अंसारी की बात हुई। मकबूल अंसारी के बाद मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन का नाम आएगा। मकबूल फिदा हुसैन की अगर बात करें तो मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 ईस्वी को पढ़रपुर नामक स्थान पे महाराष्ट्र में हुआ। 17 सितंबर 1915 पढ़रपुर नामक स्थान महाराष्ट्र में हुआ था। इंदौर आर्ट स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके 1935-36 ईस्वी के मध्य मुंबई यानी बंबई में चित्रकारों के रूप में वे थोड़ा सा फेमस होते हैं और चलचित्र चित्रकारों के रूप में कार्य करने के बाद अनेक वर्षों तक
चलचित्रों के चित्रकार के रूप में कार्य करते रहे, परंतु 1940 ईस्वी में प्रगतिशील कलाकार या प्रगतिशील चित्रकारों के दल के साथ जुड़ गए और इसी दल में सक्रिय चित्रकार के रूप में मकबूल फिदा हुसैन फेमस हुए। 1952 ईस्वी में उन्होंने लंदन में अनेक चित्रों की 16 एग्जीबिशन आयोजित की। उनके सतत नवीन चित्रण प्रयोगों के कारण उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों में माना जाता है। उनके आरंभिक चित्रों का आभार जैन शैली जिसे अपभ्रंश शैली के चित्रों पर आधारित रहा है, परंतु कालांतर में उनका दृष्टिकोण पूर्ण स्वच्छंदतावादी और सूक्ष्मवादी बन गया है। उनका जापान में उनके द्वारा प्रदर्शित चित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनकी चित्रकृतियाँ देश विदेश में सराही गई हैं। उनके चित्रों में सफल प्रदर्शनियाँ हैदराबाद जहांगीर आर्ट गैलरी बम्बई में आयोजित हो चुकी हैं। वे कई बार यूरोप के अनेक देशों की कला का अध्ययन कर चुके हैं और कला के अध्ययन के लिए यात्राएँ कर चुके हैं। विशेष रूप से पेरिस फ्रांस की कला से खूब ज़्यादा प्रभावित भी रहे हैं मकबूल फिदा हुसैन, तो नाम काफ़ी है। 1955 में उनकी चित्राकृतियों के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यूरोप से लौटने के पश्चात 70 में उन्हें त्रिवेणी कला संगम दिल्ली के एक चित्रण का डिमॉन्स्ट्रेशन चित्र निर्माण प्रदर्शनी आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अचेतन जगत के आधार पर चित्र रचना करके दिल्ली के नागरिकों को विस्मय विमुग्ध कर दिया था। ये कार्य मकबूल फिदा हुसैन का है। 71 में उन्होंने फ्रांस के जगत प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो के साथ भारत का पिकासो माना जाने लगा राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, जो मूल रूप से टल गया, और 1973 में उन्हें पद्मश्री और 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत सरकार से सम्मानित होने के बाद 1971 में उनका एक चित्र 1 करोड़ का बिका था। किसका? मकबूल फिदा हुसैन का। 1971 में वे हिंदू देवी देवता दुर्गा, सरस्वती, देवी सीता आदि के अर्धनग्न, अलौकिक और अपमानजनक और अशिष्ट रूपों में चित्र बनाने के लिए, साथ में कुरान की आयतों का चित्रों को जो है चित्रों में प्रयोग करने के लिए ये विवादों में फंस गए और कट्टरवादी धार्मिक संगठनों के निशाने पर आ गए। कौन? मकबूल फिदा हुसैन। 1996 में उनके वे अर्धनग्न चित्र पत्र और पत्रिकाओं में छपने से विरोध और ज़्यादा बढ़ गया। देवी दुर्गा और देवी सरस्वती के चित्रों को लेकर के 1996 में विवाद अत्यधिक बढ़ गया और 1998 में विरोधियों ने उनके घर पे हमला कर दिया। 1996 ईस्वी में उनको भारत की राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। 2006 से वे भारत से बाहर हो रहे हैं और 2010 में वे कतर की नागरिकता भी ग्रहण कर लेते हैं। 2006 में उन्होंने अभिनेता माधुरी दीक्षित का चित्र बनाया और गजगामिनी चलचित्र यानी वीडियो फिल्म भी बनाया था गजगामिनी। उन्होंने चलचित्र अभिनेत्री अमृता राव और मीनाक्षी के चित्र भी बनाए हैं। किसने? मकबूल फिदा हुसैन ने। उनके चित्रों में ढुलकिया है, बैलगाड़ी है, घोड़े हैं, वापसी है आदि चित्र जो है उत्कृष्ट माने जाते हैं। उनके चित्र आज संसार के अनेक प्रसिद्ध कला दीर्घाओं में हैं। 2008 ईस्वी में मकबूल फिदा हुसैन के चित्र बैटल ऑफ गंगा एंड जमुना महाभारत आकार 12 फुट जिसे महाभारत के देशव्यापी महान गृह युद्ध का चित्रण था का न्यूयॉर्क में $6,00,000 मूल्य में नीलामी हुआ, जो भारतीय समसामयिक चित्रकृति के उच्चतम मूल्य का यादगार कीर्तिमान का प्रमाण माना जाता है। आगे हुसैन को ज्यूरिच में चलचित्र के होल्डिंग्स का चित्रकार कहा गया। वे जीवन के अंतिम वर्षों में लंदन में रहने लगे, जहां मूल रूप से 7 जून 2011 को उनके अंतिम दिनों में गंभीर बीमारी हुई और उसी की अस्वस्थता के चलते लंदन के रॉयल ग्रांट्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 7 जून को भर्ती हुए, 9 जून 2011 को मूल रूप से वे इस दुनिया को छोड़ करके सदा के लिए चले गए। 9 जून 2011 को इसी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। उनको लंदन में ही दफनाया गया है। मकबूल फिदा हुसैन को कहाँ दफनाया गया? लंदन में ही दफनाया गया। मृत्यु कब हुई? 2011 में हुई। मूल रूप से कतर की नागरिकता कब लिए? 2010 में लिए। भारत कब छोड़ा? 2006 में छोड़ा। ये सब क्वेश्चंस बनता है तो ये सब याद रखना। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? मकबूल फिदा हुसैन को भी कहा जाता है।
अगला पॉइंट मोहन सामंत का है। अगला मोहन सामंत कलाकार हैं। मोहन सामंत को कुलकर्णी, हुसैन, रजा, गुलजार जैसे अग्रगण्य कलाकारों की श्रेणी में गिना जाता है। उन्होंने अपने कला का विकास भारतीय लघु चित्रों और पाश्चात्य शैलियों के आधार पर किया है। वह सदा परिवर्तन की ओर उन्मुख रहे हैं। उन्होंने अस्थायी रूप से अमेरिका की नागरिकता स्वीकार कर ली और वे जो है अमेरिका चले गए। मोहन सामंत जी अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ से चित्रकारी स्टार्ट करते हैं, वहाँ से चित्रकारी करते रहते हैं। अगला नाम आएगा मनोज कुमार वर्मा का। मनोज कुमार वर्मा की अगर बात करें तो जन्म 8 जुलाई 1970, मनोज का जन्म बरेली में हुआ है और कवि, लेखक और कलाकार परिवार में हुआ था। बचपन से ही कला में मनोज की रुचि जो है अच्छी रही है। एमए चित्रकला की उपाधि 1993 में उन्होंने ग्रहण की। उसके बाद बरेली, लखनऊ तथा अन्य नगरों में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनियों में भाग लिया और उनके चित्र पुरस्कृत हो चुके हैं। टैगोर प्रदर्शनी में उनका पुरस्कार बहुत बढ़िया से मिल चुका है। किसको मिला है? मनोज कुमार वर्मा को मिला है, जिनका जन्म 8 जुलाई 1970 बरेली में हुआ था। मनोज के बाद मूल रूप से दिनकर कौशिक को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दिनकर कौशिक की अगर बात करें तो दिनकर कौशिक का जन्म 25 जून 1918 को धारवाड़ मैसूर राज्य में हुआ है। उन्होंने शांति निकेतन कला भवन में अपनी कला दीक्षा ग्रहण की। 1957 में उनकी ख्याति फैलने लगी। उन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया और मूल रूप से समसामयिक कला का अध्ययन भी किया। 1955 में इटली सरकार की ओर से कला अध्ययन के लिए वे रोम जाते हैं। वे इटली, इंग्लैंड और फ्रांस में पूर्ण रूपेण भ्रमण कर चुके हैं। उनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी सर्वप्रथम जो है शिल्पी चक्र दिल्ली में आयोजित तो होती है। उसके तत्वावधान में 1952 में आयोजित की जाती है। 1957 में उनके चित्र यूरोप के अनेक नगरों में प्रदर्शित होते हैं। उनके चित्रों में अनेक बार जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित हो चुकी है। वे यूरोप के प्रभाववादी कलाकार से प्रभावित रहे और शांति निकेतन की भारतीय परंपरा उनकी मौलिकता का आधार मानी जाती है। नारायण श्रीधर बेंद्रे की बात हो रही है। अनेक वर्षों तक दिल्ली के बहुधंधित विद्यालय में ललित कला का अध्यापन किया है उन्होंने। अच्छा, ललित कला का अध्यापन भी किया है। ये दिनकर कौशिक की बात हो रही है, नारायण श्रीधर बेंद्रे की बात नहीं हो रही है। ठीक है, दिनकर कौशिक मूल रूप से जिनका जन्म धारवाड़ में हुआ था, जो धारवाड़ मैसूर वाला बेल्ट होता है। ठीक है, तो मौलिकता का आधार रहा है। अनेक वर्षों तक वह दिल्ली के बहुधंधित विश्वविद्यालय में ललित कला का अध्यापन करते रहे। वे पाश्चात्य में लखनऊ वार्ड स्कूल के प्रिंसिपल पद पे भी बनते हैं। वही लखनऊ वार्ड कॉलेज जिसको मूल रूप से अर्षित कुमार हल्दर 1925 में पहले भारतीय प्रिंसिपल बन करके गौरव प्राप्त कर चुके हैं। तो वहाँ पे प्रिंसिपल पे कार्य किए हैं। अब वो जो है मूल रूप से वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कौन? दिनकर कौशिक जी। दिनकर कौशिक जी के बाद हम लोग नारायण श्रीधर बेंद्रे को पढ़ेंगे। नारायण श्रीधर बेने यानी एनएस बेंद्रे की अगर बात करें तो नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म 21 अगस्त 1910 को इंदौर में हुआ था। वही इंदौर जहाँ मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन को देवलालिकर ने कला की शिक्षा दी थी। उन्होंने कुछ समय तक जो है स्टेट स्कूल ऑफ आर्ट्स इंदौर में डीडी देवलालिकर से चित्र की शिक्षा ग्रहण की और बाद में बम्बई आर्ट स्कूल के राजकीय डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। वे 2 बार जो है आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं। 1972 में देवलालिकर नहीं ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष पद पर भी बने रहे हैं। बेंद्रे एशिया तथा यूरोप के अनेक देशों में कला के अध्यापन के रूप में जाने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें विदेश भी भेजा गया है और विदेशी सरकारों के बुलावे पर वो जो है वहाँ भ्रमण भी कर चुके हैं। कश्मीर के मनोरम प्रकृति और जो है राजस्थानी नगरों की सुंदरता को दर्शाने के लिए उन्हें जो है सदैव आकर्षित किया है। वे सदैव अनेक शैलियों में प्रयत्नशील रहे या फिर प्रयोगशील रहे हैं। 1958 में उन्होंने चीन और इटली का दौरा किया। इसी समय वे चीनी कलाकारों की तूलिकाओं से प्रभावित हुए। विश्व के सभी प्रमुख देशों में उनके चित्रों के प्रदर्शनियां हो चुकी हैं। उनके चित्रों में जल रंग जैसी ताजगी और चमक है। काले रंग का उन्होंने संतुलन के साथ खुलकर प्रयोग किया है। नीले, पीले, नारंगी और बैंगनी विरोधी रंगों का प्रयोग उनकी दक्षता हुई है। उनके अनुसार कलाकार दृश्य, अदृश्य पदार्थों और भावनाओं से संबंधित अनेक ग्रंथों को सुलझाता है और उन्हें अपनी कल्पना तथा शैली के सहज या फिर शैली द्वारा सहज ग्राह बना लेता है। वे बड़ौदा विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किए हैं और मूल रूप से वहीं पर सेवानिवृत्त हुए हैं। बात करें तो वे बम्बई ग्राफिक्स कार्य के लिए भी स्थापित हो जाते हैं और कला की सेवाएँ
करते हुए उनका निधन हो जाता है। उनके चित्रों में दार्जिलिंग के चाय बगान में युवती को बहुत अच्छे से दर्शाया गया। ज्येष्ठ की दोपहरी भी पूछा जाता रचना है। अमरनाथ की कश्मीर के दृश्यों को भी दर्शाने का काम किसके ऊपर रहा है, तो ये सारा जिम्मा मूल रूप से नारायण श्रीधर बेंद्रे पे रहा है, जिनका जन्म 21 अगस्त 1910 इंदौर में हुआ था। ये तो बात हो गई नारायण श्रीधर बेंद्रे की। अब बात होगी राम कुमार की। अगर राम कुमार की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार कानपुर के प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक रहे हैं। वे एकांत प्रिय कर्मठ कलाकार हैं। उन्होंने तैल रंग के माध्यम से बड़े आकार में कैनवास चित्रों का निर्माण किया है। उनके चित्रों में आकार का सरलपन है, रंगों का संगत और विरोधी प्रयोग है, उनकी भावनाओं में अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध भी हुआ है। उनके चित्रों में अनेक जो है एकल प्रदर्शनियां बंबई तथा अन्य नगरों में आयोजित हो चुकी हैं। उनके चित्रों में मेला है, राजस्थानी मरुस्थल की रंगीन भीड़भाड़ प्रतीक हुई है। उनके प्रमुख चित्रों की अगर बात करें तो ये सब संग्रहों में पहुँच चुके हैं। वे DAV कॉलेज कानपुर के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे हैं और 1997 में वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कौन? राम कुमार जी। आगे बात करते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय की। थोड़ा सा बात राम गोपाल विजयवर्गीय पे हो जाए तो राम गोपाल विजयवर्गीय स्वभाव से ही कवि तथा कलाकार दोनों ही हैं और मूल रूप से भारतीय कला परंपरा के द्योतक कलाकारों में शुमार है। उनके चित्रों में लावण्यता युक्त है, रूप अच्छा है, आकर्षक रेखांकन है, कोमल रेखाओं का विधायी दर्शन दिखाई देता है। उनके शकुंतला और मेघदूत संबंधी चित्र सुंदर बताए जाते हैं। मेघदूत और शकुंतला मूल रूप से अच्छी रचना मानी जाती है, सुंदर चित्र माने जाते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के नवोदित कलाकारों के रूप में गिना जाता है, लेकिन आप जानते हैं रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल में होता है। तो यूपी के नवोदित कलाकारों में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने नई आशा और नवीन कला प्रवृत्तियों को देखा है। वे लखनऊ वार्ड स्कूल में अपना कला प्रशिक्षण समाप्त कर देश भ्रमण के लिए निकल पड़े। फिर लखनऊ वार्ड में मूल रूप से ये अध्यापक बनते हैं और इसी आर्ट स्कूल में प्रिंसिपल भी बनते हैं। वे फाविज्म की ओर भी अग्रसर हुए और सतत प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने उन्हें न्यूनतम वादी कलाकारों से सम्मिश्रित या फिर सम्मानित भी करवाया। 1989 में वे आर्ट स्कूल से सेवानिवृत्त होते हैं और विष्ट के चित्रों में तकनीकी नवीनता और थीम्स जो है विषय की मौलिकता भी दिखाई देती है। उनके चित्रों में अनेक प्रदर्शनियां नैनीताल में लगती हैं, लखनऊ में लगती हैं, इलाहाबाद में लगती हैं, दिल्ली में लगती हैं। तो ये सारे नगर मूल रूप से किसके प्रदर्शनी के लिए जाने जाते हैं? तो ये मूल रूप से किसके प्रदर्शनी के लिए जाने जाते हैं? ये किसके लिए? रणवीर सिंह विष्ट की प्रदर्शनी के लिए जाने जाते हैं। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है उनका चित्र नील पर भीड़ है, भगवान बुद्ध हैं, लाल पृष्ठभूमि पर वृक्ष है, चेहरा है, श्रम है, ये सब उल्लेखनीय चित्रों में शुमार हैं। किसके? रणवीर सिंह विष्ट के। 1965 में आपको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से पुरस्कार भी मिल चुका है और 1998 में रणवीर सिंह विष्ट का देहावसान हो गया, यानी स्वर्गवास हो गया। रणवीर सिंह विष्ट के बाद हम लोग राम कुमार को पढ़ेंगे, प्रख्यात कलाकार राम कुमार। राम कुमार गोवा के निवासी हैं। 1924 में उनका जन्म होता है। वह बंबई के JJ स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा ग्रहण करते हैं। राम कुमार एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक कला समीक्षक भी हैं, तो क्वेश्चन बनता है कला समीक्षक के रूप में जाना जाता है तो राम कुमार का नाम आएगा। वे प्रयोगवादी कलाकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय कला क्षेत्र में भी स्थान प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने देश विदेश की कला का अध्ययन किया है। वे अपनी रागनी या फिर अपनी राग्यात्मक अनुभूति से कैनवास पे अपने अंतरंग में उत्पन्न बिंब के आधार पे जो है उतारते हुए देखे जाते हैं। वे पेरिस आदि यूरोप के अनेक नगरों का भ्रमण कर चुके हैं। कौन? राम कुमार जी। आगे अगर बात करें तो अगला पॉइंट लिखा गया है उनके अनेक चित्र जो है भावलोक से संबंधित हैं, परंतु वे परंपरागत पौराणिक प्रतीकों पर आधारित हैं। उनके चित्रों में रंग योजन और रूप रज्जा का जो है निजी महत्व दिखाई देता है। उनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से पुरस्कृत किया जा चुका है। वे मुंबई यानी बंबई में JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्यापक के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। कौन? राम कुमार जी, जो प्रख्यात कला समीक्षक भी हैं, कलाकार भी हैं। अगला नाम आएगा रघुवंश कुमार भटनागर का। रघुवंश कुमार भटनागर का जन्म 1936 में हुआ है। उन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक से कला अध्ययन समाप्त करके अपनी चित्रकला प्रदर्शनियों में प्रशंसा पाई है। उनकी कृतियां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भारत की ओर से जापान आदि देशों में प्रदर्शित की जा चुकी हैं। वे यूरोप की यात्रा कर चुके हैं और उन्होंने ग्राफिक्स तथा अमूर्त चित्रकला के लिए अपना स्थान बना लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली है और जो है अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है।
फिर अगला नाम आएगा बीरेन का। बीरेन की अगर बात करें तो बीरेन का जन्म 1 अगस्त 1936 को अमृतसर में हुआ था। 1957 ईस्वी में वे कोलंबो गए और वहीं से बौद्ध कला में जो है प्रभावित हो गए। बीरेन कुछ समय बंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी कला का अध्ययन करते रहे और उसके बाद जो है संतोष ना पाने पे वे रंगों तथा आकारों, बिंबों और दृश्यों में अपना प्रयोग करने शुरू कर देते हैं। बीरेन आज अमूर्त कला के क्षेत्र में उदायमान चित्रकार हैं। उन्होंने भिक्षुओं को बनाया, घुमक्कड़ों को बनाया, जानवरों से प्रेम किया और उनके चित्रों में अनुभूति को जो है देखा है। अस्पष्ट, धुंधली और व्यज्ञात्मक रूपी मूल रूप से किसकी रचना है, तो ऐसी रचना मूल रूप से बीरेन की है। बीरेन वही जिनका जन्म अमृतसर में 1936 में होता है। बीरेंद्र के बाद नाम आएगा बद्रीनाथ आर्या का। जन्म 1936, बद्रीनाथ आर्या कला शिक्षा राजकीय कला विद्यालय मूल रूप से लखनऊ से होती है। वे महत्वपूर्ण कला प्रदर्शनियों में चित्र अपने प्रदर्शित कर चुके हैं। उनका कहना है, मैं अपनी भावना को भौतिक रूप में नए प्रयोग के आधार पर अभिव्यक्त कर सकूँ। तकनीकी कोई भी हो सकती है क्योंकि वह कभी पुरानी नहीं होती है। तकनीकी वह होनी चाहिए जो आंतरिक भावना को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ हो। मुझे वास चित्रण अपनी भावना की अभिव्यक्ति में अधिक उपयुक्त लगती है, किंतु मैं वास चित्रण की परंपरा में बंधना कभी पसंद नहीं करता हूँ। वास चित्रण की परंपरा में बंधना कभी पसंद नहीं करता हूँ। वीरेंद्र नारायण की अगर बात करें तो जयपुर में उनकी प्रतिभा को कला प्रेमी भली प्रकार पहचान चुके हैं। उनका जन्म बरेली उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ है। 1950 ईस्वी से चित्रकला की ओर अग्रसर हुए। आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लगभग 1955 ईस्वी में अध्ययन हेतु शांति निकेतन की कला भवन के छात्र बने। उनकी कला से उनके आचार्यगण बहुत प्रभावित रहे हैं और उन्होंने शांति निकेतन के स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। उनका समय आचार्य नंदलाल बसु के वे मूल रूप से निकटतम संपर्क में आ जाते हैं। वे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष पद पे भी रहे हैं और मूल रूप से 1994 से वो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। कौन? वीरेंद्र नारायण। जन्म कहाँ पे हुआ? बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी कहाँ हुई है? तो दिल्ली में आयोजित हुई है, जिसे पूर्ण रूपेण से सफलता प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने जोधपुर, जयपुर से फ्रेस्को चित्रों में भी ख्यातियाँ प्राप्त की हैं। अब वे भारतीय आकारों को लेकर के न्यूनतमवादी प्रयोग करते रहते हैं, उसमें रत हैं। उन्होंने जयपुरी फ्रेस्को में विशेष निपुणता प्राप्त की है। 1974 ईस्वी में उन्होंने भित्तीय चित्रण का प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में कला शिविर आयोजित किया। उनके बाटिक चित्र उनकी मौलिक खोजों तथा प्रयोगशीलता के लिए निखर उड़ते हैं। उसके बाद नाम क्या आएगा? इनके बाद नाम आएगा डॉक्टर राधाकृष्ण वशिष्ठ का। डॉक्टर राधाकृष्ण वशिष्ठ, वीरेंद्र नारायण के बाद नाम आएगा डॉक्टर राधाकृष्ण वशिष्ठ का। इन्हें पढ़ें तो इनका जन्म 1938 में होता है। श्रीनाथ द्वारा क्षेत्र के कलात्मक पृष्ठभूमि को लेकर के डॉक्टर राधाकृष्ण वशिष्ठ चित्रकला के क्षेत्र में विख्यात हुए हैं। उन्होंने सुखोड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के चित्रकला विभाग से MA की उपाधि प्राप्त की और आगरा विश्वविद्यालय आगरा से चित्रकला में DLED की उपाधि प्राप्त की। राजस्थान की चित्रकला तथा विशिष्ट चित्रकारों पर अपने शोधपूर्ण लेख और पुस्तकें लिखने के साथ साथ राजस्थान के चित्रकारों को संगठित भी इन्होंने किया है। डॉक्टर राधाकृष्ण वशिष्ठ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अनेक वर्षों तक सह प्राचार्य और फिर चित्रकला विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत करते रहे। आपने राजस्थान की परंपरा, कला और आधार बनकर के उनके न्यूनतम आदि प्रयोगों को आगे बढ़ाया है। उल्लास में नृत्य करती गोपती, उल्लास में नृत्य करती गोपती उनका चित्र प्रमुख माना जाता है। इसमें कृष्ण के साथ नृत्य करती गोपियाँ ही नहीं परन नित्यमय हो गई हैं। आप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप राजस्थान जयपुर के चेयरमैन हैं और इस ग्रुप के चित्रकारों का परिचय आदि के लेखन का परिपूर्ण कार्य भी या फिर शोधपूर्ण कार्य भी मूल रूप से आपके अंडर में होता रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अवकाश प्राप्त तथा उदयपुर में ही अपने निवास स्थान पर रह करके कला की महती सेवा देने का काम कौन कर रहा है? डॉक्टर राधाकृष्ण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। आगे बात करें तो अगला नाम क्या आएगा? अगला नाम सुधीर रंजन खास्तगीर का आएगा। सुधीर रंजन खास्तगीर की अगर बात करें तो सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म भारत के समृद्ध नगर कोलकाता में 14 सितंबर 1907 को हुआ था। एक संपन्न परिवार में हुआ था। बाल्यकला में ही हठी और सुधीर रंजन की कला आचार्यों में चर्चा का विषय बन गई। पिता की अनुमति के बिना ही खास्तगीर ने शांति निकेतन में बीए के स्थान पे कला भवन क्या हुआ
कला भवन में प्रवेश ले लिया। स्वर्गीय रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक और नृत्य मंडल में वो सदैव ही प्रमुख रहे हैं। नंदलाल बसु की कला परंपरा में वे दीक्षित हो गए या फिर दीक्षित हो गए, उन्होंने देश भ्रमण किया। इसी समय उनकी जो है मानसी डे, प्रभाव नियोगी और गोपाल घोष आदि कलाकारों से मित्रता भी हो गई। खासगिर पहले ग्वालियर के सिंधिया स्कूल, फिर देहरादून के दून स्कूल में कला की जो है विभागाध्यक्ष रहे हैं। अंत में वे लखनऊ के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रिंसिपल पद पर कार्य किए हैं। कौन? सुधीर रंजन खास्तगिर जी। और यहीं से सेवानिवृत्त होते हैं, फिर बोलपुर चले जाते हैं। बोलपुर चले गए। खास्तगिर की प्रतिभा मूर्तिकला और चित्रकला दोनों रूप में प्रस्फुटित हुई है, परंतु वे पहले मूर्तिकार हैं पीछे चित्रकार हैं, ये कहना मूल रूप से सुधीर रंजन खास्तगिर को अच्छा लगता है। खास्तगिर अपने चित्रों में अंतर की ताल और लय को मुखारित करते हैं। उनके रंग जो है शोलों यानी चिंगारियों के समान कैनवास पे धधकते दिखाई पड़ती है। उन्होंने अपने चित्रों में कभी टूटते तूलिका स्पर्श तो कभी लंबे स्पर्शों का प्रयोग किया है। उन्होंने चमकदार नीले, नारंगी, सिंदूरी, पीले, गेरुआ और काले रंगों का प्रभाववादी कलाकार के रूप में खुलकर प्रयोग किया है। रोंदा नामक यूरोपीय मूर्तिकार का उन पर गहरा प्रभाव है, परंतु नांदू बाबू की परंपरा उनकी रेखाओं में विद्यमान है। 1957 में उन्होंने भारत सरकार के पद्म श्री से भी विभूषित किया जाता है। खास्तगिर के अनेक चित्र देशी और विदेशी संग्रहालयों में भी हैं। उनके चित्रों में अमलतास पर कौवा रचना किसकी है? अमलतास पे कौवा रचना जो मूल रूप से है सुधीर रंजन खास्तगिर की है, जो लखनऊ वार्ड कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल है। प्रतीक्षा, गांधी, गौतम चित्रावली, आत्मविस्मृति, दीपावली नृत्य, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो सुधीर रंजन खास्तगिर की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। सुधीर रंजन खास्तगिर के बाद सैयद हैदर रजा यानी SH रजा का नाम बहुत फेमस है। SH रजा की अगर बात करते हैं तो रजा लगभग 60 वर्ष से पेरिस में रह रहे हैं। उन्होंने अस्थायी रूप से फ्रांस की नागरिकता भी ग्रहण कर ली है। 52 में उन्होंने चित्रों की फ्रांस में प्रदर्शनी आयोजित की, तो कला विशेषज्ञ जैक्सन लेनिस ने हैदर के चित्रों के बारे में इस प्रकार कहा, वे अद्भुत थी सूर्य किरणों की स्निग्ध योम समयातीत दृश्य चित्र धरती से उपेक्षित नगरी के थे। वह जो है सैयद हैदर रजा ने इनमें रात और दिन की भिन्नता को व्यक्त करने का प्रयास किया है। यह कथन किसका है? ये जैक्सन लेनिन के शब्दों में सैयद हैदर रजा का जो है प्रशंसा है। रजा के पिता मध्य प्रदेश के जंगलों के अधिकारी थे। वे इस प्रकार घने जंगलों से रजा के घरेलू संबंध बन गए। बाल्यकाल में ही उन्होंने जंगलों की जटिलता, भयानकता और बीहड़पन को देखा था। पेरिस जाने के बाद वे दो बार भारत आए और उन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनियां आयोजित की। उनमें चित्रों की जो आकार है और रंगों की सूक्ष्मवादी ढंग से आयोजन है उसमें किया गया है, उनको रंगवादी कलाकार कहना उपयुक्त होगा। उनकी कृतियों में जंगल की अग्नि से लेकर के चित्र भी प्रभावपूर्ण हैं। लैंप और लकड़ी के मध्य अगर रचना पूछी जाए तो लैंप और लकड़ी की मध्य रचना जो है ये बहुत अच्छी रचना है सैयद हैदर रजा की। प्रसिद्ध चित्र रचनाओं में शुमार है। रजा ही एक ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने 1956 ईस्वी में कला चित्र का प्रसिद्ध पुरस्कार प्री द क्रिंतिक यानी क्रिटिक अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है सैयद हैदर रजा को। 1976 ईस्वी में पुनः भारत आते हैं और उन्होंने कलकत्ता और बम्बई में प्रदर्शनियां आयोजित की हैं। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया जाता है। किसे 13 में मिलता है पद्म विभूषण? सैयद हैदर रजा को मिलता है। सैयद हैदर रजा वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? तो याद रखना वो पेरिस में ही रह रहे हैं। सतीश गुजराल की अगर बात करते हैं तो सतीश गुजराल जन्म कहाँ पे हुआ? 1925 पंजाब में होता है। उन्होंने GD आर्ट्स कॉलेज लाहौर और बाद में JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स बम्बई में मूल रूप से कला की शिक्षा ग्रहण की। तदुपरांत उन्होंने मैक्सिको से एडवांस पेंटिंग और म्यूरल तकनीकी में डिप्लोमा प्राप्त किया। न्यूयॉर्क, मेस्को, बम्बई और दिल्ली में उनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी आयोजित हो चुकी हैं और बहुत सारी प्रशंसा भी हुई हैं। गुजराल आज जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकार माने जाते हैं और यही ख्याति उन्होंने अपनी शैली के कारण अर्जित की है। उनकी आरंभिक कृतियों में यथार्थ और अभिव्यंजनावाद की अतिवादिता है। वे प्रभाववादी कलाकार को आधार मान करके चलते हैं और मेक्सिको की कला से अत्यधिक प्रभावित बताए जाते हैं। कौन? सतीश गुजराल जी। और मूल रूप से संप्रीति व म्यूरल के लिए अग्रगणी कलाकारों के रूप में जो है गुजराल जी माने जाने जाते हैं यानी सतीश गुजराल जी जाने माने जाते हैं। चंडीगढ़ तथा दिल्ली के अनेक सरकारी इमारतों में उन्होंने म्यूरल चित्र को अलंकृत किया है। उनके तैल चित्रों में वह अमूर्तवादी कला का रूप उदित होता है। बात करें उनके चित्रों में तो एकल प्रदर्शनी 1954 ईस्वी में इंडियन हाउस में हुई है। उनमें एक सफल प्रदर्शनी 1960 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आयोजित हुई थी। उनके चित्रों में गहरे नीले, पीले, भूरे और काले रंगों का असाधारण ढंग से प्रयोग दिखाई पड़ता है। इसमें आधुनिकता,
चित्रों में रंग और उनकी अमूर्त कला का भाषा जो है बन गया है। उनकी आकृतियां प्रायः विशालकाय हैं, भयानक हैं और विकराल हैं। इन चित्रों में मैक्सिकन नारी है, परिवार है, कृष्ण मेनन है, गालिब हैं आदि जो है उल्लेखनीय चित्र माने जाते हैं। 99 में उनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया है। तो पद्म विभूषण किसको मिला है? मूल रूप से सतीश गुजराल को मिला है। गालिब किसकी रचना है या कृष्ण मेनन किसकी रचना है? तो ये मूल रूप से सतीश गुजराल की अच्छी रचनाओं में शुमार है। सतीश गुजराल के बाद हम लोग पढ़ेंगे सतीश चंद्र का। सतीश चंद्र जन्म 1941 में जिनका होता है उन्हें पढ़ने का प्रयास है। सतीश चंद्र की अगर बात करते हैं तो उन्हीं की कला की शिक्षा राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से होती है। उन्होंने महत्वपूर्ण कला प्रदर्शनियों में उनके चित्रों का प्रदर्शन हो चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी और उत्तर प्रदेश कलाकार संघ द्वारा उन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। वे 10 एकल प्रदर्शनियों का आयोजन कर चुके हैं जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी द्वारा 1964 में और अमेरिका में 1967 में आयोजित प्रदर्शनियां सम्मिलित हैं। आजकल वे राजकीय कला महाविद्यालय में मूल रूप से लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। सतीश का कहना है कि मुझे प्रकृति में जो कुछ भी अच्छा लगता है मैं उसी के चित्र करता हूँ, किंतु प्रकृति को देखने का मेरा अपना दृष्टिकोण है। मुझे प्रकृति में जो अच्छा लगता है मैं उसी का चित्र बनाता हूँ, लेकिन प्रकृति को देखने का मेरा अपना दृष्टिकोण है, यह कथन किसका है? तो सतीश चंद्र का है, याद रखना है। सतीश चंद्र वर्तमान में राजकीय शिल्पकला महाविद्यालय लखनऊ में कार्यरत। अगला नाम सरन बिहारी लाल सक्सेना का है। डॉक्टर सरन बिहारी लाल सक्सेना MA चित्रकला में उत्तीर्ण होकर के अपना कार्य क्षेत्र कानपुर को बनाते हैं। कानपुर विश्वविद्यालय से आपने PhD और रुहेलखंड विश्वविद्यालय से DLit की उपाधि प्राप्त की है। आप DAV कॉलेज कानपुर चित्रकला विभाग के प्रवक्ता रहे हैं। यहाँ आपने अनेक चित्र प्रदर्शनियों में भाग लिया है। आपके नवीन प्रयोग से ही यहाँ पे जो है आपने नवीन प्रयोग से यहीं से प्रारंभ किया और तैलीय चित्रों में जो है यथार्थवादी चित्रांकन का कार्य किया या फिर यथार्थवादी शैली का अनुकरण किया है। 1964 में बरेली कॉलेज बरेली के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत होते हैं। 1996 में वे अवकाश प्राप्त करते हैं और यथार्थवादी कला के समर्थक रहे हैं। आपने चित्रों की प्रदर्शनियां आयोजित कर चुके हैं, मूल रूप से कौन? तो ऐसे चित्रों की प्रदर्शनियां राम शरण नहीं सरन बिहारी लाल सक्सेना आयोजित कर चुके हैं। सरन बिहारी के बाद अगर बात करें तो मूल रूप से नाम आएगा सुरेंद्र बहादुर सुमानो का। सुरेंद्र बहादुर की अगर बात करते हैं तो सुरेंद्र बहादुर या फिर सुमानो का जन्म बरेली में हुआ है। कॉलेज शिक्षा के बाद ड्राफ्ट्समैन का कार्य किया, परंतु कला रुचि के कारण वे नौकरी का त्यागपत्र दे देते हैं और अध्ययन के लिए लखनऊ वार्ड कॉलेज चले आते हैं। यहाँ डिप्लोमा कक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और संप्रति वे सैनिक स्कूल इलाहाबाद में कला प्रशिक्षक हैं। 1972 में उनको उत्तर प्रदेश अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त होता है। वे अमूर्त स्फुटित कला की ओर अग्रसर हैं। वे बरेली ग्रुप के उदयमान कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। सुरेंद्र बहादुर का नाम जो है बरेली ग्रुप से जुड़ा हुआ है। उसके बाद प्रख्यात नाम आता है सरोज मुखर्जी का। सरोज मुखर्जी की बात करें 1910 में जिनका जन्म होता है। सरोज ने पूर्व और पश्चिम की कला का समन्वय बहुत अच्छे से देखा है, वो बहुत अच्छे से किया है। उनके प्रारंभिक चित्र राजपूत और मुगल शैली पर आधारित रहे हैं। बाद के चित्रों में अभ्यंजनावादी और प्रभाववादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। उनके चित्रों में 1947 से 1959 में पिकासो और रूसो के साथ प्रदर्शनियां भी लग चुकी हैं। उनके चित्रों में पनघट है, कपड़े सुखाती स्त्री है आदि प्रमुख रचना है। कपड़े सुखाती स्त्री या फिर पनघट रचना किसकी है? तो मूल रूप से सरोज मुखर्जी की अच्छी रचनाओं में शुमार है। उन्होंने पॉलिटेक्निक दिल्ली तथा शारदा चरण उकील आर्ट कॉलेज में अध्यापन किया है और मूल रूप से सरोज मुखर्जी 1960 में कला साधना करते हुए निधन को जो है प्राप्त कर जाते हैं, यानी गौलोकवासी हो जाते हैं। तो ये बात थी सरोज मुखर्जी की। सरोज मुखर्जी के बाद किसका नाम आएगा? सरोज मुखर्जी के बाद मूल रूप से नाम आता है शांति द्वैवे का। शांति दवे की अगर बात करते हैं तो शांति दवे का जन्म 1931 में हुआ है। उन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय में कला विभाग की जो है शिक्षा पाई है और देश विदेश में प्रदर्शनियां उनकी आयोजित हो चुकी हैं। उनके चित्र प्रशंसा प्राप्त कर चुके हैं। बड़ौदा कला के कलाकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वे अनेक प्रदर्शनियों में पुरस्कृत भी हो चुके हैं। 1969 में वे अमूर्तवादी कला की ओर उन्मुख होते हैं। उन्होंने अरूपता की ओर उन्मुख किया हुआ है और जो है चमकदार रंगों का पर्यटन तूलिका की स्वच्छंदता गति को महत्वपूर्ण रंग देते हुए उन्होंने आगे बढ़ा। 1962 के पश्चात उन्होंने मोमिया चित्रों का निर्माण किया और उन्हों जो है उनके लिए वे सिद्धस्त हो जाते हैं, सिद्धस्त कलाकार माने जाते हैं। इस प्रकार उनका जो है चित्र है हिम पर प्रकाश है, ऐसी रचना मूल रूप से किसकी है? तो ऐसी रचना मूल रूप से शांति दवे की। 1963 में उनके चित्रों की दिल्ली में एकल प्रदर्शनी आयोजित होती है जिससे उनको और ख्याति मिल जाती है। हिम पर प्रकाश रचना किसकी है? तो शांति दवे की है, याद रखना, जिनका जन्म मूल रूप से 1931 में होता है। आगे अगला नाम आएगा
श्यावस छावड़ा का, श्यावस छावड़ा की अगर बात करें तो देश विदेश की कलाओं का अध्ययन किया है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकार में से एक हैं। उनके लोक जीवन और लोक नृत्यों से आधारित जो है चित्रों में विशेष ख्याति मिलती है। उनके चित्रों में रेखा की लय, गति, सरलता, आकृति और मुद्राएं सशक्त पाई जाती हैं। नृत्यरत आकृतियां रंगमंच पर अभिनय करते हुए पात्रों के क्रियाकलाप और मूल रूप से समूह गमन के लिए छावड़ा की सफलता से जो है व्यक्तित्व किया जाता है। बात करें उन्हें तो नित्य नवलता का स्वागत किया है। उन्होंने अमृता शेरगर, सेंजा गोगवा, मातिस आदि से कला प्रेरणा ग्रहण की है। उनके चित्रों में लोक कला संबंधी नृत्य जो है या फिर चित्र उत्तम है। श्रीलंका का कैंडियन लोकप्रिय उनकी उत्तम करती है। श्रीलंका का कैंडियन लोक नृत्य, श्रीलंका का कैंडियन लोक नृत्य किसने बनाया है तो स्वायस छावड़ा के द्वारा बनाया जाता है। स्वायस छावड़ा याद रखना, नाम हो सकता है कभी पूछ ले, फिलहाल उम्मीद थोड़ी कम है। अगला नाम शिवकुमार शर्मा का है। शिवकुमार शर्मा थोड़ा याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। शिवकुमार शर्मा 5 अगस्त 1935 को जन्म होता है। वे मेरठ कॉलेज मेरठ के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष होते हैं। 1994 में वे सेवानिवृत्त होते हैं। उन्होंने नूतन कलाकार के समान प्रयोग किए हैं और उन्होंने 3-प्लाई के रेशों के आधार पर स्फुटित चित्र नियोजन की प्रणाली को अपनाया है। वे उदयमान चित्रकारों के रूप में जाने जाते हैं, उदयमान चित्रकारों के रूप में फेमस है। अगला महत्वपूर्ण कलाकार का नाम आता है यज्ञेश्वर कल्याण जी शुक्ल। यज्ञेश्वर शुक्ल का जन्म 1937 में हुआ है। 1934 में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रथम स्थान प्राप्त करके डिप्लोमा प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने मियो पदक मिला है। इसी वर्ष उन्हें पूना आर्ट सोसाइटी से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1936 में एक सदस्य के रूप में तथा आधुनिक भारतीय चित्रकार के रूप में ब्रिटिश कला प्रदर्शनी लंदन में भी हिस्सा लिया है। 1938 में वे कला अध्ययन के लिए रॉयल एकेडमी, कला अध्ययन के लिए रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स रोम जाते हैं। 1947 को पेरिस तथा यूनेस्को में आयोजित चित्र प्रदर्शनियों में उन्होंने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। इसी वर्ष सरकार ने उनको चीन भेजा। उनके चित्रों की अनेक प्रदर्शनियां बड़ौदा संग्रहालय 1949 में, बम्बई में 1950 में, टोक्यो में 1957 में आदि स्थानों में हो चुके हैं। 1958 में फाइन आर्ट सोसाइटी जो है दिल्ली की है और उसकी ओर से आयोजित राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में उनको पहला पुरस्कार भी मिल चुका है। संप्रति योगेश्वर शुक्ल जी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के कला विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य करके जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके चित्र देश विदेश में पहुँच चुके। अगला नाम आएगा हरिश्चंद्र राय का। हरिश्चंद्र राय की अगर बात करें तो इनका जन्म बरेली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। वे बालिकाल से ही चित्रकला में विशेष रुचि लेते थे। उनके चित्र मूर्ति, संगीत, अभिनय तथा नृत्य के साथ साथ काव्य में युवा काल तक प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। लगभग 1943 में वे लखनऊ आर्ट स्कूल में भर्ती हो गए, जहाँ उन्होंने स्वर्गीय असित कुमार हल्दर का विशेष स्नेह प्राप्त हुआ है। वे लखनऊ आर्ट स्कूल में सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे हैं। लखनऊ की कला तथा संगीत अध्ययन के पश्चात वे बरेली आ जाते हैं। उन्होंने बरेली कॉलेज में अनेक वर्षों तक कला प्रशिक्षण किया है। 1950 में उन्होंने अपने नेतृत्व में एक युवा कलाकार का दल, जिसे बरेली ग्रुप कहा जाता है, तो बरेली ग्रुप ऑफ आर्ट्स एंड बरेलियन आर्ट सर्किल संगठित किया। इस दल के कलाकारों में ग्रामी मेरठ से हैं, वीरेंद्र जयपुर से हैं, विनाश देहरादून पहले जो है उल्लेखित किया जा चुका है, राजन लखनऊ से हैं, गोपाल कानपुर से हैं, नफीस नाइजी बरेली से हैं, सुमानव इलाहाबाद से हैं, श्यामन पटना से हैं, नरेंद्र दिल्ली से हैं, हरिहर बरेली से हैं, रामस्वरूप बरेली से हैं आदि जो है अध्ययन तथा मौलिक इकाइयाँ दिखाई देती हैं बरेली ग्रुप के लिए। कला के उच्च अध्ययन हेतु उन्होंने स्वयं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बम्बई और सरकार में मूल रूप से चित्रकला में डिप्लोमा किया है बम्बई से ही। अगला 1962 में वे कॉलेज ऑफ आर्ट्स नाहस हिमाचल प्रदेश के प्रिंसिपल नियुक्त होते हैं और एक नवीन संस्था की आधारशिला रखते हैं। यह कॉलेज राज्य सरकार की चंबा फिर शिमला में जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है और फिर शिक्षा विभाग से कला अध्ययन से जोड़ दिया जाता है। उन्होंने चित्रण के प्रति अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। उनके चित्रों में रंगों की जो है प्रजालिता है, रेखाओं में बारीकता है और कोमलता है। उसके साथ साथ प्रशंसनीय भी ऐसा रहा है कि बारीक रेखांकन और कोमलता बहुत अच्छे से है। उनके चित्रों की प्रकृति की जो है आत्मा और मुखरित हो उठती है। उनके द्वारा बनाया गया बुल्गारियन का द्रुत
रेखान चित्र जिसे लाइफ स्केच कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मेले में टेलीविजन पर दिखाया गया है। वे स्वयं भारतीय शैली के कुशल चित्रकार हैं, परंतु आधुनिकता या फिर न्यूनता को बुरा नहीं मानते हैं। उनके अनुसार सच्ची अनुभूति के लिए उपयुक्त शैली के द्वारा अभिव्यक्ति करना कला है। ये किसके अकॉर्डिंग? हरिचंद्र या फिर हरीशचंद्र राय के अकॉर्डिंग। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है वो स्वयं भारतीय शैली के कुशल चित्रकार हैं, परंतु आधुनिकता और जो है न्यूनता को बुरा नहीं मानते हैं। उनके अनुसार सच्ची अनुभूति के लिए उपयुक्त शैली के द्वारा अभिव्यक्ति करना कला है। उनके अनेक चित्रों में शिष्टा, कवि, प्रलय, रानीखेत के लैंडस्केप उल्लेखनीय हैं। उनके चित्र अमेरिका, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आदि में पहुँच चुके हैं। भारत के कला संरक्षकों के पास उनकी कृतियाँ 1980 के पश्चात उन्होंने शिमला में चित्रों की अनेक एकल प्रदर्शनियां आयोजित की जो बहुत सफल हुई हैं। राजस्थान में पश्चिम क्षेत्रीय चित्रकारों में उदयपुर के चित्रकला का प्रगतिशील केंद्र बनाया और इन कलाकारों में विशिष्ट चित्रकार परमानंद उज्ज्वल का स्थान उल्लेखनीय है, जिन्होंने सुखड़िया विश्वविद्यालय से अनेक वर्षों तक महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान की और उन्होंने अनेक उच्च कोटि के चित्रकारों को सुखड़िया विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग से उदित किया। उन्होंने किसने परमानंद चुल ने उन्होंने भारतीय चित्रकला में यूरोप की आधुनिक कला आंदोलनों के साथ नवीन प्रभावों के प्रयोग के साथ साथ राजस्थान की चित्रकला में विस्तार और विकास का प्रक्रिया को मनोबल प्रदान करने का काम किया है हरीशचंद्र राय ने। अगला नाम आता है, अगला कलाकार हैं सुरेश वर्मा। सुरेश शर्मा की अगर बात करें तो सुरेश शर्मा का जन्म हड़ौती क्षेत्र में 1937 में हुआ है। उन्होंने विश्व भारती शांति निकेतन से 1962 में कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। 1960 ईस्वी में उनको पतझड़ नामक चित्र पर राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर से पुरस्कृत किया गया था। किसके लिए? पतझड़ के लिए। उन्होंने ओप आर्ट से आगे बढ़कर के काम से काम किंतु आकर्षक रंग तथा सरलतम आकार का प्रभावी प्रयोग करके अनेक कृतियों से प्रदेश में नवीन कलाधारा का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष पद पे और सह आचार्य पद पे कार्य करके महती सेवाएं प्रदान की। तो ऐसा काम भी सुरेश शर्मा जी कर चुके हैं। अगला नाम आता है लक्ष्मीलाल वर्मा का। लक्ष्मीलाल वर्मा की अगर बात करते हैं तो जन्म 1944 ईस्वी में होता है। उन्होंने सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से चित्रकला विभाग में सह आचार्य और विभाग अध्यक्ष पद पे अनेक वर्षों तक कार्य किया। परमानंद चुएल और सुरेंद्र शर्मा के साथ रहकर के कला विभाग में महती सेवाएँ प्रदान की है लक्ष्मीलाल वर्मा ने। अब वे अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होकर शोध कार्य में चित्रण कर रहे हैं और चित्रण के कार्य में रत हैं लगे हुए हैं। उनके दृश्य चित्रों में प्रकृति की सजावट छोटा देखने को मिलती है। उनके चित्रों में रंगों की सशक्त और प्रभावी प्रवाह दिखाई पड़ता है। अगला नाम हेमंत द्विवेदी का होगा। हेमंत द्विवेदी जन्म 1966। लक्ष्मी लाल वर्मा के उपरांत युवा चित्रकार हेमंत द्विवेदी सुखड़िया विश्वविद्यालय में सह प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं और न्यूनतमवादी सक्रिय चित्रकार हैं। उनके चित्रों में ज्यामितीय आकार का प्रयोग दर्शनीय बताया जाता है। जन्म कब हुआ है? 1966 में हुआ है। अगला नाम मदन सिंह राठौर का है। जन्म 1968 में होता है। डॉक्टर मदन सिंह राठौर संप्रति चित्रकला विभाग सुखड़िया विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं और न्यूनतमवादी सक्रिय चित्रकार हैं। उनके चित्रों में ज्यामितीय आकार का प्रयोग दार्शनिक के रूप में दर्शाने का प्रयास मदन सिंह राठौर ने किया है। अगले कलाकार का नाम क्या आएगा? धर्मवीर विशिष्ट की अगर बात करते हैं, 1969 में जन्म होता है। डॉक्टर धर्मवीर विशिष्ट सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के चित्रकला विभाग के सह आचार्य पद पर कार्यरत हैं। उनके चित्रों के रंगों का स्वच्छंद उन्मुक्त ढंग से प्रयोग दर्शनीय है। वे सरल ज्यामितीय आकार में रंग डाल करके भाव उदित करने में सफल हुए हैं। डॉक्टर धर्मवीर युवा चित्रकारों में अग्रगण्य। उनके कंप्यूटर चित्र उल्लेखनीय हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी में उन्होंने जो है नामित करके प्रदर्शनी की ओर 2006 में चित्रकारों के शिमला शिविर हिमाचल प्रदेश में भाग लेने के लिए भेजा गया। वंशाक्रम में उन्हें कला की प्रेरणा और सूझबूझ प्राप्त हुई और वे नूतन प्रयोगशील चित्रकार के रूप में आगे बढ़े। उनके पिता डॉक्टर राधाकृष्ण वशिष्ठ डीलिट पूर्व अध्यक्ष चित्रकला विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के विख्यात चित्रकार और राजस्थान के कला समीक्षक के रूप में हैं और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर धर्मवीर के चित्र नीले, लाल और पीले विरोधी रंगों को संतुलित करके रहे हैं। ब्राउन कलर उनकी कृतियों में देखा जा सकता है। ब्राउन मतलब भूरा कलर भी दिखाई देता है। किसके चित्रों में? तो ये धर्मवीर विशिष्ट के चित्रों की बात हो रही है।
अगला कलाकार भावना वशिष्ठ का नाम है, जन्म 1973 में हुआ है। डॉक्टर श्रीमती भावना वशिष्ठ डॉक्टर धर्मवीर की पत्नी हैं, डॉक्टर धर्मवीर की पत्नी है, और डॉक्टर राधा कृष्ण वशिष्ठ डीलिट के पुत्रवधू हैं। घर में इस कलात्मक वातावरण में रहते हुए भावना ने सरल आकारों, वृत्तों, आयताकारों, अर्धवृत्तकारों, त्रिभुजों से अपने भावों को चित्रों में सफलता से अभिव्यक्त किया है। नारंगी, लाल तथा विरोधी रंगों से रंगने के बाद उनकी कृतियां सजीव बन पड़ती हैं। वे प्रयत्नशील चित्रकारी करते हैं, कंप्यूटर से चित्र रचना करते हैं और उसमें जो लोभ से दक्ष भी हैं। ऐसा करने में उदयपुर की मुख्य चित्र कवयित्री के रूप में भी भावना विशिष्ट फेमस नाम है। अगला नाम आएगा सुश्री किरण मुंडिया का, जन्म 1991 में हुआ है। किरण मुंडिया की अगर बात करते हैं तो किरण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाथद्वारा के चित्रकला विभाग में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं। किरण प्रयोगवादी कवयित्री हैं और सशक्त्र अमिश्रित रंगों का प्रयोग उनके चित्रों की विशेषता रही है। चित्रकत्री हैं, कवयित्री हमने बोल दिया, शायद ये चित्रकत्री हैं, ठीक है, चितेरी हैं, महिला चितेरी। अगला नाम आता है डॉक्टर क्या वसंत कश्यप का, जन्म 1952 में। डॉक्टर वसंत कश्यप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाथ द्वारा के चित्रकला विभाग के प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर वसंत के चित्रों में राजस्थानी चित्रकला का न्यूनतम आदि सरल रूप दिखाई दे सकता है। डॉक्टर विष्णु माली की अगर बात करते हैं, जन्म 1956 में हुआ है। डॉक्टर विष्णु माली राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाथ द्वारा के चित्रकला विभाग में कार्यरत हैं और राजस्थान की मूर्तिकला पर महत्वपूर्ण शोध कर चुके हैं। वे